गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग एवरीबॉडी। सब लोग जागे हो सुबह सुबह? ओके, आज थोड़ा मेरा तबीयत ऊपर नीचे है, तो एक आधी बार अगर बीच में से ऐसा मैं जोर से चीख दूँ तो डरना मत। हाँ सर, क्या हुआ है? माइक में आवाज आएगा ऐसा? दोस्तों नहीं, मैं रिकॉर्डिंग वालों को भी बोल रहा हूँ, वर्चुअल में जो बैठ के देखेंगे, तो डरना मत ऐसा कुछ हुआ तो। सही सलामत FM का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। दोस्तों सबसे पहले कल का जो रिवीजन करना है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वोंट गो विथ इकोनॉमिक्स फर्स्ट, आई विल गो विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड कल का रिवीजन करेंगे 10 मिनट, फिर बाद में होमवर्क चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, मुझे सब याद है, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। ओके, अल्टीमेट मेमोरी है मेरा। तो देखिए, सबसे पहले कल जो हमने बात की थी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात की थी, याद है दोस्तों? उधर सब लोग ध्यान दे रहे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? कैन आई से द वैल्यू ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस? एंड जैसे जैसे समय बदलता है तो पैसों की वैल्यू बदलती है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। विच मनी इज हैविंग मोर वैल्यू? Present money. Which money you will prefer? Present money. How many reasons are there? 4 reasons are there. ध्यान से सुनो, ये question exam में आ चुका है, but कभी ऐसा पूछते वो लोग, why do you prefer present money compared to future money? तो कभी कभी ये same question wording change करके ऐसा बन जाता है, explain the relevance of time value of money. क्या बोल रहे हैं? Explain the relevance of time value of money. ऐसा भी हो जाता है question. तो क्वेश्चन क्या है उसकी नजाकत को समझो, अच्छे से ध्यान से समझो क्या पूछ रहे हैं वो लोग। रेलेवेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग हो गया क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट ध्यान से सुनो, और मैंने आपको पहले भी बोला है इंस्टीट्यूट को वैरायटी ज्यादा पसंद है नाम में, तो वो आपको रिपीटेड वही क्वेश्चन बार 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 वही वर्डिंग से नहीं पूछेंगे, अलग वर्डिंग से भी पूछ सकते हैं। सही है क्या? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देर आर 4 रीजंस व्हाई वी प्रेफर today's money compared to future money. There are 4 reasons why there is a relevance of time value of money. Number 1 reason, risk. Barabar hai kya? Future money has risk, whereas present money has no risk. Subah subah idhar jab aap 7:30 baje aate ho to mere sath badbad karne ke liye aao, sirf suno mat. Pravachan mein aaye ho kya? Bolo, answer do fatafat. Ready ho na? कि मैं अकेला बावला दिखता है यहाँ पे ऐसे कुछ बोलने के लिए, बड़बड़ करने के लिए? अगर हूं तो तुम भी बावले बन जाओ मेरे साथ, कोई फर्क नहीं करता, एट द एंड ये सब आना जरूरी है अपने को। बोलिए, फर्स्ट रीजन इज रिस्क। विच मनी हैज रिस्क? फ्यूचर मनी हैज रिस्क, प्रेजेंट मनी हैज नो रिस्क, बिकॉज पैसा अगर आज मिल जाए तो क्या रिस्क है? ऑब्वियसली प्रेजेंट मनी हैज नो रिस्क, बट फ्यूचर मनी हैज रिस्क। ऑब्वियसली इसी वजह से आप क्या प्रेफर करोगे? प्रेजेंट मनी कंपेयर टू फ्यूचर मनी। सेकेंड रीजन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर, समय के साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से दाम बढ़ते और उसी पैसों का परचेसिंग पावर कम 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 होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेसिंग पावर? इनकम में जितना गुड्स एंड सर्विसेज आएगा उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर। तो दोस्तों purchasing power of money dash with time, reduces with time, and therefore you always prefer today's money compared to future money. Third reason, investment opportunity. पैसा जो block हो रहा है वो वहां पे future में मिलने से अच्छा अगर आज मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? उसको invest कर सकते हैं और वो opportunity gain कर सकते हैं और उससे अच्छे खासे returns कमाएंगे हम लोग। अगर यही पैसा हमको future में मिलेगा तो ऑब्वियसली उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना हम लोग आज। फ्यूचर के पैसों को आज इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऑब्वियसली अगर आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए तो पैसा कब इन्वेस्ट करना है? आज। जितना लेट इन्वेस्टमेंट करोगे रिटर्न्स उतने कम आएंगे, सिंपल लॉजिक। तो इफ यू वॉन्ट टू गेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या बोला हमने? इफ यू वॉन्ट टू गेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वी प्रेफर प्रेजेंट मनी कंपेयर टू फ्यूचर मनी। लास्ट एंड फाइनल रीजन, प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। पैसा अगर आज मिल जाए तो खर्च आज हो सकता है, और किसी को भी खर्चा आज ही पसंद आएगा ना।
पैसा अगर आज मिल जाए तो आज खर्च हो जाएगा चीजों पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे बोलो, एसेट्स पे बोलो, किसी पे भी बोलो, आप पैसा आज मिलने के बाद आज इमीडिएटली खर्च कर सकते हो। यही पैसा अगर आपको फ्यूचर में मिले तो उसको तुम आज खर्च नहीं कर सकते। समझा सेंटेंस क्या है? फ्यूचर के पैसों को फ्यूचर में इन्वेस्ट खर्च कर सकते हो बट आज खर्च नहीं कर सकते। एवरीबॉडी, तो चार रीजन से फिर से एक बार सिर्फ हेडिंग, रिस्क, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लेशन एंड लास्ट में प्रेजेंट कंजम्पशन का प्रेफरेंस। लास्ट रीजन भूल जाते हैं लोग जनरली, ध्यान दो। लास्ट रीजन बहुत सिंपल है, प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, मतलब आज पैसा मिल जाए तो आज खर्च हो सकता है, आपकी जरूरतें आज पूरी हो सकती है, जैगवायर आज खरीदी जा सकती है, बराबर है ना? पैसा अगर आज मिल जाए तो आज ही चीजें हो जाएगी हमारे पास रेडी, इसलिए पैसा फ्यूचर से ज्यादा आज में प्रेफर्ड रहेगा। एवरीबॉडी, नाउ यस्टरडे वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दो टाइप के टेक्निक पढ़े थे हमने, वन वॉज डिस्काउंटिंग, द अदर वॉज कंपाउंडिंग। लकीली जो हमने कल तक पढ़ा वो ऑलमोस्ट सीपीटी में हो चुका है आपका, बट उस फैक्टर्स के लॉजिक अगर आपको उस वक्त नहीं समझे होंगे बाय एनी रीजन, कल तो समझ गए होंगे। ओके, फैक्टर कभी भी डैश रुपी के लिए निकलता है, वन रुपी के लिए निकल, और वन क्यों निकलता है, वन के लिए ही क्यों निकलता है, क्योंकि डिवाइडेड बाय वन का इम्पैक्ट जीरो होता है, जीरो मतलब कुछ भी नहीं होता इम्पैक्ट। ओके, एनीथिंग डिवाइडेड बाय वन इज सेम नंबर ना, इसीलिए वन के लिए फैक्टर निकालते हैं हम लोग। नाउ डिस्काउंटिंग टेक्निक, पहला फैक्टर जो हमने निकालना है वो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या नाम था उसका? PVF, R, N। दूसरा फैक्टर था PVAF, R, N। ध्यान है सबका? कल का जो फैक्टर आया था, लोकेश भाई इधर ध्यान दो, आप आ गए चुके हो क्लास में आके, बहुत टाइम हो गया, ध्यान दो। PVF फैक्टर जो होता है वो होता है सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर का आज का वैल्यू। फ्यूचर में मुझे एक बार एक रुपया मिलेगा, मुझे उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, फिर से एक बार रिपीट करो सिर्फ आपके लिए। फ्यूचर में मुझे एक बार अगर एक रुपया मिलेगा उसकी आज की वैल्यू इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कल के एग्जाम्पल के हिसाब से, वन रुपी इन विच ईयर, थर्ड ईयर, उसकी आज की वैल्यू 0.7513 था, याद आया क्या कुछ? ये था फ्यूचर वैल्यू और ये था प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकाला था हमने 0.7513? 1 डिवाइडेड बाय 1.1। क्यों 1.1? 10% रेट था इसलिए। ओके, फॉर्मूला जो सीपीटी में पढ़ा था वही लॉजिक है यहां पर भी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेस टू N, बराबर क्या? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 2nd ईयर इज इक्वल टू 3rd ईयर एंड आंसर कम्स टू 0.7513। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.7513? अगर आज 0.7513 इन्वेस्ट कर देंगे तो 3 साल बाद 10% रेट के मुताबिक 1 रुपया मिलेगा, और उसको हमने कैश पे वेरीफाई भी किया, सच में मिलता है क्या? ओके, देन हमने इससे एक फॉर्मूला डेवलप किया। वो फॉर्मूला क्या था? कि हमको फ्यूचर में 3 साल बाद 1 रुपया नहीं चाहिए, हमको ज्यादा चाहिए। फ्यूचर में 3 साल बाद 1 रुपया नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए। सपोज इस बार आज का टारगेट रखते कि 3 साल बाद मुझे 50,000 रुपये चाहिए। कल कितना लिया था? 5 लाख, तो 50,000 नहीं चाहिए मुझे, मुझे फिर 7 लाख चाहिए, कल से ज्यादा। ओके, 7 लाख रुपए चाहिए हमको 3 साल बाद। तो मैं वो 7 लाख रुपए कहाँ लिखूं, 1 के नीचे या 0.7513? 1 के नीचे, क्योंकि 1 इज माय फ्यूचर वैल्यू ना, तो 1 के नीचे हम बोलेंगे 7 लाख अगर हमको चाहिए तो आज कितना? 5,25,000 समथिंग आया, आ गया सबका आंसर 5,25,000 समथिंग। तो इसके लिए आपने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 7 लाख इंटू 0.7513 किया, जिससे जो आंसर आया वो आया। बट इससे फॉर्मूला आ गया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज 7 लाख फ्यूचर वैल्यू इंटू व्हाट इज दिस PVFR, N। व्हाट इज माय फॉर्मूला? रीड इट। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू PVFR, N। बराबर?
अब स्क्रीन की तरफ मत देखो, लॉजिक से सोचो, आप क्या डिस्काउंटिंग में हो या कंपाउंडिंग में हो? डिस्काउंटिंग में हो। तो फॉर्मूले की शुरुआत हर बार प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू बोल करोगी, और आप हर बार फ्यूचर वैल्यू यूज करोगे, तो फ्यूचर वैल्यू इनटू कैश फ्लो कौन सा है, सिंगल है या मल्टी एन्यूटी है? सिंगल है, तो इनटू क्या करना है, पीवीएफ, खत्म। समझ गए क्या? तो फॉर्मूला क्या बन गया, स्क्रीन की तरफ मत देखो अभी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ आर कॉमा एन, उसके डेरिवेशन के साथ अपन सीखिए। सबको समझा है अच्छे से, याद आ रहा है कल की बात है? वेरी गुड। अब दो मिनट के लिए जरा पीवीएफ की तरफ बढ़ते। पीवीएफ कब यूज होता है, पहले बेसिक क्वेश्चन, जब कैश फ्लो सिंगल नहीं होता है, एन्यूटी होता है। व्हाट इज एन्यूटी? सीरीज ऑफ कैश फ्लोज हैविंग सेम इंटरवल ऑफ टाइम, बट अपनी भाषा में सेम अमाउंट सेम गैप में अगर मिल रहा है तो वो एन्यूटी बन गया। क्या बोला? दो चीजें, सेम अमाउंट सेम गैप, खत्म, एन्यूटी हो। तो फिर हम लोगों को एक रुपया सिर्फ एक बार नहीं चाहिए, तीन बार चाहिए। पहले साल में एक बार चाहिए, दूसरे साल में एक बार, और तीसरे साल में एक बार चाहिए। कहना इसे फ्यूचर में तीन रुपए चाहिए, फ्यूचर में तीन रुपए चाहिए, गलत है। क्यों गलत है? एक फर्स्ट ईयर में चाहिए, एक सेकेंड ईयर में, एक थर्ड ईयर में, तो ठीक है ना सर, एक प्लस एक प्लस एक, ऐसा टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलाउ नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एक रुपया अलग वैल्यू का होता है, सेकेंड ईयर का एक रुपये की वैल्यू अलग है, थर्ड ईयर के एक रुपये की वैल्यू अलग है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उस एक रुपये का परचेसिंग पावर कम हो रहा है। अगर ये कैश फ्लोज की परचेसिंग पावर सेम नहीं है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है इसको कैसे ऐड कर रहे हो तुम? अभी जो बोला समझा गया? तो हेंस फोर्थ कभी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लॉजिक के हिसाब से फ्यूचर के कैश फ्लोज डायरेक्टली ऐड नहीं करने का। फर्स्ट ईयर में एक लाख, सेकंड ईयर में दो लाख, कितने बन गए? एक लाख फर्स्ट ईयर, दूसरे ईयर में दो लाख, तीन लाख नहीं बने वो, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एक लाख अलग है और सेकेंड ईयर के दो लाख परचेसिंग पावर वाइज अलग है। तो डायरेक्टली ऐसा ऐड नहीं करने का। अगर आप ऐड कर रहे हो कोई भी मेथड में तो यू आर इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या बोला? यू आर इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझे क्या? चलिए इसको समझते। कल का हमारा आंसर था, हम लोग फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी से कहां जा रहे थे? प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। ओके, कहां से कहां जा रहे? फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। एंड दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू के आगे ऐसे एन्यूटी क्यों लिखा है? क्योंकि हमको एक बार नहीं हर साल कैश फ्लो चाहिए। ध्यान है सबका? वन रुपी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वन रुपी, थर्ड ईयर वन रुपी, तो इन सब की आज की वैल्यू 2.4869 आया था कल, 2.4869। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? इफ आई इन्वेस्ट 2.4869 एट द रेट 10% टुडे, देन आफ्टर वन ईयर आई कैन विड्रॉ वन रुपी, सेकेंड ईयर आई कैन विड्रॉ वन मोर रुपी, थर्ड ईयर आई कैन विड्रॉ वन मोर रुपी। कैसे कैलकुलेट किया था? 2.4869 वन डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस। लॉजिक क्या था? लास्ट में एमआरसी दबाया था अपन ने। लॉजिक क्या था? बार बार एम प्लस क्यों दबा रहे हो आप? क्योंकि हर साल कैश फ्लो चाहिए आपको, और बाद में एमआरसी क्यों कर रहे हो? क्योंकि पूरा कैश फ्लो चाहिए ना, तो टोटल देखना पड़ेगा ना कितना है। आर यू गेटिंग इट? तो अगर इसको और डीप में समझना है दो मिनट के लिए, तो देखो अभी मैंने कल वो बात बताई नहीं थी, आज बता रहा हूँ। ध्यान दो स्क्रीन की तरफ। 7 बज चुके हैं, हमारा रिविजन सेशन खत्म है, अगला सेशन शुरू है। ओके, एक साल बाद का एक रुपये का आज का वैल्यू कैलसी लो, वन डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू करो, तो इसका आज का वैल्यू आता है 0.9091। एवरीबडी आया क्या? व्हाट इज दिस?
अगर आज 0.9091 इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल बाद एक रुपया मिलेगा, बराबर है? ओके, नाउ सी, सेकेंड ईयर में मुझे एक रुपया चाहिए तो उसका आज का वैल्यू इज इक्वल टू, वापस दबाओ, 0.8264. क्या इंटरप्रिटेशन है? अगर आज 0.8264 इन्वेस्ट करेंगे तो दो साल बाद एक रुपया मिलेगा. इन शॉर्ट, दो साल बाद एक रुपया मिलने वाले की आज की वैल्यू 0.8264 है. ध्यान दो, बहुत आसान कंसेप्ट है दोस्तों. ओके, एंड तीन साल बाद जो एक रुपया, उसके लिए वापस एक बार इज इक्वल टू दबाना पड़ेगा. और कल वाला आंसर आ गया 0.7513. इंटरप्रिटेशन, अगर तीन साल बाद एक रुपया चाहिए तो आज 0.7513 इन्वेस्ट करना है. अरे मगर हमको तो तीनों चाहिए ना, तो आज ये तीनों का एडिशन करना पड़ेगा ना, तो इन तीनों का एडिशन 2.4869 रहेगा ना. यही तो आंसर था, यही तो लॉजिक है. अंडरस्टूड क्या? दिल से, दिमाग से सब समझा क्या? अच्छे से भूलोगे नहीं ना, रट्टा नहीं मारोगे ना. सो मैंने अभी अभी आपको बोला है कि 1+1+1 ऐसा 3 रुपीज नहीं होते, नहीं होते ना. इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे 3 लिखू क्या? गलत हो जाएगा ना. फिर इन तीनों को लेफ्ट साइड अलाउड नहीं है, राइट साइड ऐसे अलाउड कैसे? क्योंकि, हाँ कौन बताएगा आंसर? चलो हाथ ऊपर करके बताओ, बोलो. हाँ तो उससे क्या होता है? अगर वो प्रेजेंट वैल्यू में लिखा है तो उससे क्या होता है? उनका परचेसिंग पावर सेम होता है. कैसे? वो कौन से टाइम पे खड़े? आज. तीनों कैश फ्लो कहाँ खड़े? आज. 1-1 रुपी आज खड़े क्या? नहीं. 1-1 रुपी सिर्फ एक साल बाद है क्या? नहीं. फर्स्ट ईयर में 1 है, सेकेंड ईयर में 1 है, थर्ड ईयर में 1 है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलग है. बट ये जो राइट साइड प्रेजेंट वैल्यू के नीचे 3 फिगर लिखे, ये तो तीनों फिगर आज की वैल्यू है ना, तो मैं आज की वैल्यू ऐड कर सकता हूँ ना, क्योंकि आज की परचेसिंग पावर तो तीनों की सेम है. समझे क्या? इसलिए मैंने तीनों को ऐड किया है 2.4869 के लिए. फिर से एक बार बोलना है क्या? अगर 0.9091 है, कब है? आज. ये 8264 कब है? आज. तो इन दोनों की परचेसिंग वैल्यू क्या है? सेम. परचेसिंग पावर क्या है? सेम. और 0.7513 भी आज ही है, इनको ऐड कर सकते हैं. बट ये 1 रुपी कब है? एक साल बाद. ठीक है. ये सेकेंड ईयर का 1 रुपी कब है? दो साल बाद. तो इनकी परचेसिंग पावर दोनों की सेम है क्या? एक साल बाद 1 रुपए में जो आएगा, दो साल बाद भी उतना ही आएगा क्या? ऑब्वियसली फिर उसको ऐड नहीं कर सकते. समझ गए क्या एवरीबॉडी? अच्छे से. चलो बढ़िया. इससे हमने एक फॉर्मूला निकाला था. अगर फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी से प्रेजेंट वैल्यू पे आना है, 1 रुपी पर एनम अगर आपको चाहिए फ्यूचर में 3 सालों तक, तो आज आपने इन्वेस्ट करना है 2.4869. तो दोस्तों 1 रुपी पर एनम नहीं चाहिए मुझे. कल कितना फिगर मांगा था मैंने? 10 लाख. आज 12 लाख मांग लेते. मांगने में क्या जाता है? 12 लाख रुपए चाहिए मुझे पर एनम, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड में भी और थर्ड में भी. क्या होगा दोस्तों? इधर ध्यान दो, सब लोग उधर जो बैठे लोग हैं ध्यान दो, मेरे साथ पार्टिसिपेट करो. बोलो, 12 लाख रुपए पर एनम चाहिए. टारगेट बढ़ चुका है. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 12 लाख रुपए इंटू 2.4869 किया आपने. आंसर जो आया होगा 29,84,000 समथिंग आया क्या? 29,84,000 समथिंग आया. ठीक है, सबका आ गया. सब लोग कैसे भी निकाल रहे हो क्या कि बस बाकी लोगों के भरोसे जिंदगी में आए हो? नहीं ना, अपने अपने कैसे भी निकलेगा आंसर तो इंटरमीडिएट पास हो जाओगे. बराबर है क्या? जो रिकॉर्डिंग देख के बाद में कर रहे हो उनके लिए भी बोल रहा हूँ मैं. अपने अपने कैलसी पे आंसर निकालना है सबको, उधर भी. चलिए अब मुझे बोलिए, अगर मैं आपको वो 29,84,000 का इंटरप्रिटेशन पूछूं तो क्या रहेगा? अगर आज उतना इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल 12 लाख रुपए मिलेंगे अगले
तीन सालों तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के अनुसार, सही है क्या? ओके तो हमारा फॉर्मूला बनाओ एक, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट इज 12 लाख, वेरी गुड, क्या बोला? एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू नहीं बोलेगा क्योंकि वो सिंगल बार नहीं है, नो डाउट 12 लाख फ्यूचर वैल्यू है, बट वो एक ही बार है क्या? हर साल है ना, तो हर साल के लिए तो एक अलग नाम है ना, क्या नाम है अलग? एन्यूटी नाम है, तो हम लोग 12 लाख रुपए को क्या प्रेफरेबली बुलाएंगे? एन्यूटी इंटू व्हाट इज दिस? PVAFR, N. फॉर्मूला नंबर टू बोलो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इंटू PVAFR, N. चलो अभी स्क्रीन की तरफ मत देखो, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो. पहले वाला फॉर्मूला याद है? उधर भी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू था, ये भी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू है, क्योंकि हम डिस्काउंटिंग में, तो हमारे फॉर्मूले प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू से शुरू होंगे. उधर हमने फ्यूचर वैल्यू को यूज किया था क्योंकि वो सिंगल कैश फ्लो था, एक ही बार था. यहां पे हम फ्यूचर वैल्यू की जगह एन्यूटी बुला रहे हैं क्योंकि सीरीज मिल रही है हमको. और वहां पे इनटू पीवीएफ किया था, यहां पे पीवीएफ करेंगे क्योंकि एन्यूटी. सिंपल विषय चेंज हो गया फॉर्मूला हमारा, नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास. बोलो फॉर्मूला क्या? स्क्रीन की तरफ मत देखो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इनटू PVAFR, N. एवरीबॉडी, उधर के लोग बोल रहे सब लोग. अब हम लोग इस पड़ाव से थोड़े आगे बढ़ते आपके होमवर्क की तरफ. ओके आपको शायद मैंने 6 फैक्टर्स निकालने का होमवर्क दिया था कल, टोटल 6 फैक्टर थे दोस्तों. मैंने बोला मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है. ये है आपका होमवर्क. 3 फैक्टर PVAF के और 3 फैक्टर PVAF के. फर्स्ट केस, होमवर्क मतलब घर पे करना पड़ता. आई अंडरस्टैंड एक्सपर्ट इज योर सेकेंड होम, डोंट फील एट होम. होमवर्क घर पे करना पड़ता है, बराबर है क्या? बोलिए 9% 7 years का आंसर कैसे निकाला? बोलो सब लोग मेरे साथ, 1 divided by 1.09 is equal to 7 बार. लास्ट में एमआरसी दबाया क्या? क्या संबंध? पीवीएफ एमआरसी नहीं होता, एम प्लस इज नहीं हुआ तो एमआरसी कहां से होगा? समझे क्या? इज इक्वल टू 7 बार. क्या है आंसर? 0.5470. बस ठीक है, 4 डेसिमल चाहिए मुझे और 4th डेसिमल राउंडेड ऑफ चाहिए. राउंड ऑफ समझता सबको? हाँ गुड. 0.5470. एक और बात याद रखो, पीवीएफ कभी भी आपका 1 से नीचे आएगा, पीवीएफ आपका हर बार 0 point something आएगा, क्योंकि फ्यूचर का 1 रुपए का आज का इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 रुपए से तो कम ही रहेगा ना, सही है क्या? बट पीवीएफ भी आना चाहिए ना सर, मगर वहां पे 1-1 रुपया कितनी बार है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना. अगर 1-1 रुपया 2 बार भी रहेगा तो ऑब्वियसली फिर 1 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, इसलिए पीवीएफ कभी भी 1 से कम आएगा आपका. चलो पीवीएफ के लिए आपने सेम कैलकुलेशन कैसे किया? 1 divided by 1.09 is equal to M plus कितनी बार? 7 बार. और 7वीं बार भी आपने M plus दबाया, उसके बाद MRC दबाया और आपका आंसर 5.032. 9.5 तो फिर ठीक है, 3 कर देंगे इसको, कोई बात. चलो कोई बात नहीं, 5.033. ठीक है, ओके. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? फर्स्ट वाले पार्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है बताओ? इफ वी इन्वेस्ट 0.54 टुडे एट द रेट ऑफ 9% आफ्टर 7 years वी आर गोइंग टू गेट 1 रुपी. एवरीबडी देयर? बोल रहे हो क्या? नहीं बात कर रहे आप, कुछ ही लोग आंसर कर रहे, 2-4.
सब लोग आंसर करेंगे मेरे साथ, ओके okay? ये आंसर करोगे तो ही आएंगे कंसेप्ट आपको। इंटरप्रिटेशन कर लिखने बोला था, फर्स्ट वाले पार्ट का इंटरप्रिटेशन डिक्टेट कर रहा हूं मैं, आपकी वर्डिंग चेंज होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक वही होना चाहिए, भावना पहुंचाना पाहिजे, बराबर है ना? आपके पास मेरी भावना पहुंच गई मतलब खत्म हो गया, तो इसीलिए इधर भावना मतलब फीलिंग होता हा? और यहां पर इंटरप्रिटेशन होगा, इफ वी टुडे इन्वेस्ट रुपीज 0.5470 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 7 years आफ्टर 7 year एंड, आफ्टर 7th year एंड वी विल गेट 1 rupee, ठीक है? वर्डिंग में अगर कुछ मिस्टेक रहेगा तो करेक्शन कर लो, फिर से एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं मैं, इफ वी टूडे इन्वेस्ट 0.5470 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 7 years At the end of 7th year, we will get 1 rupee. उल्टा लिखा तो भी चलेगा. For getting 1 rupee after 7 year end, today we have to invest 0.5470 at the rate of 9%. एक ही बात है. जेपा, आगे बढ़े. Second case में 4.5% 5 साल क्या किया आपने, 1 divided by 1.045 जेपिंग क्या 4.5% क्या करना पड़ता सर, जल्दी क्लिक नहीं होता, कुछ कम 4.5 दबाओ कैलसी पे, डिवाइड बाय 100 करो, जो आया वही रहता है, उसमें 1 ऐड कर दो, समझा? 4.5 divided by 100 उसमें 1 ऐड करके 1 point हो जाता है डायरेक्ट वो, फिर अब इसको 1 divided by 1.045 is equal to कितनी बार, 5 बार, क्योंकि 5 years है, तो आंसर 0.8025 आया क्या? एंड राइट हैंड साइड 4.390 एवरीबॉडी जमते कहते थे आंसर बराबर ही है। कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जिन पे प्रॉब्लम आता है, डोंट वरी, कल एक दो स्टूडेंट्स मिले थे मुझे क्लास के बाद, उनके कैलकुलेटर के लिए मैंने अलग से सॉल्यूशन दिखाया, आपका कौन सा यूनिक कैलसी लेके आओ मेरे पास, मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ। अगर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं मिले तो डबल डिप ऑप्शन है आपके पास, 2 बार पानी में डुबाने का, उसको धूप में सुखाने का, फिर समझता खराब हो गया तो नया लेने का कोई चॉइस नहीं, आपके हर टाइप के कैलसी का सॉल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू। चलिए, आपके कैसियो के कैलसीज रहेंगे, कुछ स्पेसिफिक मॉडल रहेंगे, आंसर नहीं आता है तो उस टाइम पे अलग मेथड से आंसर आता है, तो आपके लिए मैं अलग स्टेप्स दे सकता हूँ, कैलसी चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले कंफर्म करो कैलसी पे स्टेप्स आते हैं क्या। लास्टली 12.25% के लिए क्या किया आपने, 1 divided by 1.1225 एवरीबॉडी 1 divided by 1.1225 बराबर 12.25%। इसको 18 years बोला है, is equal to कितनी बार करना है, 18 बार, क्या आंसर आएगा 0.125, कोई बात नहीं 125 ले लो, 49 ले लो, जो राउंड ऑफ डिफरेंस है वो बाद में मुझे पे कर देना तुम, अभी ध्यान दो इधर आगे राइट हैंड साइड पीवीएफ के लिए सेम कैलकुलेशन होगा, 1 divided by 1.1225 is equal to m plus कितनी बार 18 बार, एंड लास्ट में एमआरसी आंसर आता है 17, अच्छा 7.1435 बराबर है। जो पीवीएफ है उसमें मजदूरी ज्यादा हो रही है ना, मजदूरी ज्यादा हो रही है, ओके अच्छा डायरेक्ट जीटी बोल के आ सकता, बट जीटी हर कैलसी पे नहीं रहता, इसलिए गधा मजदूरी जरूरी रहती है,
कितने लोगों के कैल्सी पे जीटी नहीं है, हाथ ऊपर करो। ये 1% नहीं है बेटा, ये ज्यादा है। ये लोगों को अगर जीटी बताएंगे ढूंढते रह जाएंगे, है ना? उधर जीटी, बराबर है। एंड दूसरी बात, कभी कभी ये गधा मजदूरी भी बहुत काम में आती है, आपको आगे समझेगा। आगे समझेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाओ। अभी तो ऐसा हुआ है कि कल तुम चलना सीखे हो और आज तुम बोल रहे हो ओलंपिक दौड़ेंगे डायरेक्ट, और जो चल रहे हो उनको बोलोगे ये टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, ध्यान दो साइलेंस एवरीबॉडी, ध्यान दो। ये जो भी हम स्टेप्स कर रहे हैं ये टेक्निकली डिफाइंड स्टेप्स है, इनके अल्टरनेटिव स्टेप्स रह सकते हैं, बट जब मैं इधर खड़े रहकर स्टेप्स देता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे सभी कैलकुलेटर्स के सभी केसेस कंसिडर करके आंसर देने पड़ते हैं। जीटी वाला जो फंक्शन है वो सभी कैलसी पे नहीं है और सभी केसेस में भी एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस है जो आपको अब भी आज समझेंगे जीटी फंक्शन फेल है, काम नहीं करेगा। ओके चलो देखते आप सबके आंसर्स आ गए। इंटरप्रिटेशन क्या किया, सब बराबर लिख दिया इंटरप्रिटेशन? मैंने वो 5.033 का इंटरप्रिटेशन बताया क्या? ये वाला नहीं बताया, आप लिख सकते हो क्या? लिखा अच्छे से, इफ वी टुडे इन्वेस्ट 5.033 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 7 years, वी कैन विड्रॉ एवरी ईयर 1 rupee फॉर नेक्स्ट 7 years। वो जो विड्रॉल ऑफ 1 rupee हो रहा है दोस्तों, वो विड्रॉल ईयर के स्टार्ट में होता है या ईयर के एंड में होता है? एंड में होता है, हर साल के एंड में होता है। सब दुख समझे क्या? ईयर के एंड में विड्रॉल हो रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट आज करनी है, फर्स्ट ईयर में 1 rupee लेना है, सेकंड ईयर एंड में 1 rupee लेना है, थर्ड ईयर एंड में 1 rupee लेना है, ऐसे 7 सालों तक आप 1-1 rupee ले सकते हो अगर आपने आज 5.033 इन्वेस्ट कर दिया। समझ गए? चलिए यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया। अब जरा होमवर्क की तरफ आते हैं। इकोनॉमिक्स का होमवर्क दिया था आपको, एक बार होमवर्क चेकिंग खत्म कर देते फिर हम लोग आज के सिलेबस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तबीयत खराब है, ये इसी आज मत लगाओ। आपका पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, एनएफआई, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज एंड कुछ स्पेसिफिक आइटम्स ढूंढने थे आपको। ध्यान दीजिए इधर, आगे यही काम में आएगा। दोस्तों सबसे पहले जीडीपी इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे नजदीकी रास्ता क्या है? एनडीपी दिया है प्लस डेप्रिसिएशन कर लेंगे, जीडीपी आ जाएगा। बिकॉज जीडीपी इज ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन, एनडीपी इज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सही है क्या? और उससे हमारा आंसर 63,700 crores आता है। आता है क्या एवरीबॉडी? सेकेंड केस आपको बोला है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। क्या निकालो? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपके पास एनडीपी रेडी है, क्या करेंगे? एनडीपी रेडी है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पहला लेटर एन है, इधर एन है, डेप्रिसिएशन का कोई संबंध नहीं है, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। सेकेंड लेटर डी है, यहां पे एन है, वो डी जो है वो डोमेस्टिक है, वो छोटा टर्म होता है, और एन नेशनल है जो बड़ा होता है। डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड करने से नेशनल मिलता है एवरीबॉडी। डोमेस्टिक में क्या बोला हमने? एनएफआई ऐड करने से नेशनल मिलता है। और सबसे मेन बात, ये फैक्टर कॉस्ट है और ये भी फैक्टर कॉस्ट है, मतलब एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस एनएफआई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आता है 61,700, बराबर है क्या? सर एड एनएफआई बोला, सर आपने फिर लेस क्यों किया? क्योंकि एनएफआई नेगेटिव था, तो प्लस एंड माइनस बिकम्स माइनस, बराबर क्या? मैथ्स के दुश्मनों,
एड एन एफ आई है माइनस 300 एन एफ आई था मेरा, इसका मतलब बाहर वाले लोग ज्यादा कमा ले गए और हमने उनसे कम कमाया, डिफरेंस उन्होंने कितना एक्स्ट्रा कमाया 300, तो ऑब्वियसली मेरा इनकम एन एफ आई निगेटिव 300 है, सही है क्या? सभी के आंसर्स मैच हुए, उधर भी मैच हो रहे। नाउ फ्रेंड्स लास्ट पार्ट उन्होंने पूछा है एन एन पी एट मार्केट प्राइस, आपके पास पिछले हिस्से में एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट आ चुका था, इसी को यूज करो सबसे आसानी से आंसर आ जाएगा। एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या डील करना पड़ेगा? एड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस सब्सिडीज। एक भी स्टेप रट्टा मत मारो, लॉजिक से सोचो हमने वो स्टेप्स क्या बनाए थे। मार्केट प्राइस इज इंक्लूडिंग टैक्सेस बोला था अपन ने, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड करना पड़ेगा, और जो चीज टैक्स के साथ होती है उसकी अपोजिट चीज सब्सिडीज के साथ होती है। ऐड इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा तो माइनस सब्सिडी हो जाएगा, बराबर है? ऐड इनडायरेक्ट टैक्स किया तो माइनस सब्सिडी करना पड़ेगा, तो आपके एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट वाले फिगर में हमने क्या किया देखो, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लेस सब्सिडीज, आपका फाइनल आंसर आता है 68,900 crores। आया क्या? जमते का सगड़ना एवरीबॉडी परफेक्टली। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर टू, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया था, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला है, सॉरी एनडीपी, एनडीपी बोला है। यहां पे एक आइटम नहीं दिया है एनएफआई, और देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने इसको एनएनपी नहीं लिखा है, एनडीपी रखा है, समझे क्या? सही है क्या? और इसलिए दोस्तों हमें सभी स्टेप्स करने पड़ेंगे एनएफआई को छोड़कर। तो सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो दिया है उसमें लेस डेप्रिसिएशन कर दो 2000, ये जो 33,000 crores है ये क्या है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, बराबर है? हमको क्या चाहिए? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऊपर के तीन डैश तो मैच हो गए, नीचे का एक डैश मैच करना है, ऊपर के तीन डैश मैच हो गए, नीचे का एक डैश मैच करना है। दोस्तों क्या करेंगे? लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस एड सब्सिडी। इस बार उल्टा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हो। क्या बोला, समझा क्या? आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हो तो मार्केट प्राइस इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग टैक्सेस, आप उसमें से टैक्सेस हटाओ और फैक्टर कॉस्ट पे आओ। और अगर आप टैक्सेस हटा रहे हो तो सब्सिडी तो ऐड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो टैक्स के साथ होता है उसका अपोजिट सब्सिडी के साथ होता है। दोस्तों उस लॉजिक से लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड सब्सिडीज करके हमारा जो आंसर आएगा इसको हम बुलाएंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, विच कम्स टू 34,000 crores। सही है ना? कोई डाउट है? उधर लास्ट बेंच किया अपन ने होमवर्क, उधर के लेट लतीफ लोग जो अभी अभी आ रहे हैं, आप लोग का ही संबंध अपन यहां ना पाई लगा, स्क्रीन वर ले ले। ध्यान दीजिए, अभी इसके अगले पड़ाव पे जाएंगे हम लोग। आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आई होप सबके पास नोट्स है, नहीं रहेगा तो आज शेयरिंग कर लो और नोट्स ऑफिस में रेडी है कलेक्ट कर लो। आज होमवर्क भी रहेंगे और आपका फर्स्ट चैप्टर एंड करना है आज अपने को, फर्स्ट चैप्टर एंड करना है अपने को। और एंड मतलब क्या? जबरदस्ती एंड नहीं करना है अपने को, अच्छे से समझ कर कंप्लीट करना है, बराबर है? बट उसके लिए कुछ भी बोलो, कंप्लीट करने के लिए भी डिटर्मिनेशन लगता है ना, तो वो आपके एंड से चाहिए। आपको कितने होमवर्क दूं मैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकालो वगैरह के कितने होमवर्क चाहिए? रैशनल रेकर बोलो वापस। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? जब ऐसे कुछ बोला ना तुम भावुक हो जाते और ना तुम इमोशनल होकर ऐसे फिगर बोलते जो हाईली अनअचीवेबल। पांच, दस, पांच, आई थिंक मिनिमम जो जो नंबर आ रहा है मेरे पास वो पांच है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, मैं पांच से कम या पांच तक होमवर्क देता हूँ, एंड एक होमवर्क के लिए हार्डली 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो अगर पांच भी बोला ना तो 15-20 मिनट का होमवर्क रहेगा मैक्सिमम।
आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया भी ना, जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो भी 20 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए एक डिस्काउंटिंग का बड़ा चार्ट बनाना है हमको। आप सब लोग एक फ्रेश पेज लो। ये एक ऐसा चार्ट रहेगा आपका जो आपको ओवरऑल पिक्चर देगा पूरा कि डिस्काउंटिंग में होता क्या क्या है। फ्रेश पेज एफएम के बुक में और हेडिंग द टॉप ऑफ द पेज डिस्काउंटिंग टेक्निक, मेरे जैसे पेज के बीच में लिखो डिस्काउंटिंग टेक्निक। रेडी? डिस्काउंटिंग टेक्निक में कितने टाइप के कैश फ्लो होते हैं? दो। कौन से दो? सिंगल एन्यूटी, बट एक बीच में कैश फ्लो आ जाएगा। आपने देखा होगा तो इधर तीन एरोज है। अच्छा हुआ आंसर दो ही बोला आपने, तीन एरो देखकर तीन आंसर बोलोगे, नहीं तो ऐसा हो जाए। तीन टाइप के कैश फ्लो है, मैंने अभी तक आपको सिर्फ दो बताए। उसमें से पहला टाइप है सिंगल कैश फ्लो, लास्ट टाइप है एन्यूटी कैश फ्लो। अब बीच वाला कौन सा नया कैश फ्लो आ गया? सिंगल कैश फ्लो मतलब फ्यूचर में एक बार उसकी आज की वैल्यू, सिंगल कैश फ्लो डिस्काउंटिंग में, बराबर है दोस्तों? फ्यूचर में हर साल और वैल्यू अगर सेम है, उसकी आज की वैल्यू इज लास्ट टाइप एन्युटी कैश फ्लो, बराबर है? बट फ्यूचर में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एक बार नहीं ज्यादा बार कैश फ्लो मिल रहा है, तो सर वो एन्युटी बन गया, बट अमाउंट सेम नहीं है, अमाउंट सेम नहीं है, क्या बन जाएगा वो? ना एन्युटी है ना सिंगल कैश फ्लो है, तो उसको हम बुलाते हैं थर्ड टाइप जो बीच में आएगा, और वो है क्या है? मल्टीपल कैश फ्लो। तीन टाइप के कैश फ्लो से हेडिंग दे देना आप। सिंगल मल्टीपल को कम जगह रखो, एन्युटी को ज्यादा जगह रखो। सबसे पहले सिंगल कैश फ्लो का जो फॉर्मूला हमने निकाला वो क्या था? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ आर कॉमा एन। एवरीबॉडी क्या बोला हमने, वापस से बोलो एक बार। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ आर कॉमा एन, राइट? वो फॉर्मूला सिंगल कैश फ्लो के नीचे आएगा। इसका लॉजिक, इसका डेरिवेशन हमने कल देख लिया, आज रिवाइज भी कर लिया। अब दोस्तों मल्टीपल कैश फ्लो मतलब क्या? What is multiple cash flow? More than one time, बराबर है? Can I say multiple cash flow? और कुछ नहीं है, series of single cash flow है, series of single cash flow है, amount same नहीं है, अलग अलग single single cash flow अलग अलग बार मिल रहे हैं। आगे आपको बस जब जब मिल रहे उनके present value निकाल के add up करना है। फिर से एक बार बोलो, ध्यान से सुनो, मल्टीपल कैश फ्लो और कुछ नहीं है। सपोज मैं आपको बोलता हूं फर्स्ट ईयर में 1000, सेकंड ईयर में 3000, थर्ड ईयर में 5000, फोर्थ ईयर में 10000 एंड फिफ्थ ईयर में 15000। डू यू थिंक एक बार अमाउंट मिल रहा है? डू यू थिंक सेम मिल रहा है? नहीं। ये क्या बन गया? ना सिंगल है ना एन्युटी है, इसके बीच मल्टीपल कैश फ्लो है। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो और कुछ मत करो, ये जो 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 अमाउंट मैंने बोला है और जो जो इयर्स में बोला है इन सब का वैल्यू आज केस में निकालो, एडअप कर लो। सर एडअप कर सकते क्या? यस, सब की वैल्यूज वैसे भी आज है ना, तो अमाउंट से मतलब परचेसिंग पावर तो सेम रहेगा ना, आज के वैल्यूज के परचेसिंग पावर तो सेम रहेंगे। फ्यूचर के अमाउंट से ऐड करेंगे क्या? नहीं, मगर वो उनके फ्यूचर वैल्यू के आज के जो वैल्यू आएंगे वो ऐड कर सकते। यस,
समझे क्या? तो इसका मतलब मल्टीपल कैश फ्लो में अलग कुछ फॉर्मूला नहीं आता है, वही फॉर्मूला रिपीट होगा, सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करेंगे हम लोग। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ आर कॉमा एन विथ फाइव कॉलमनर फॉर्मेट। ये पांच कॉलमनर फॉर्मेट क्या है वो नीचे ड्रॉ करेंगे, पहले ये लिख लो आप, सेम फॉर्मूला रिपीट करो, स्क्रीन से देखने की जरूरत नहीं है उसके लिए। फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ आर कॉमा एन, आगे बस लिखना है विथ विथ फाइव कॉलमनर फॉर्मेट, विथ फाइव कॉलमनर फॉर्मेट। पांच कॉलम का ये फॉर्मेट क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है, नीचे ड्रॉ करते हैं। एन्यूटी के लिए पूरा राइट साइड रिजर्व कर दो, ओके okay? इसके आगे जितना भी राइट साइड है वो पूरा यूज कर लो एन्यूटी के लिए। एंड पेज के थोड़ा नीचे जाओ और वहां पर हाफ से भी नीचे जाओ, लाइन सीधा नीचे ड्रॉ करो और यहाँ पे फाइव कॉलमनर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे हम लोग। आप नहीं लिखोगे, पहले ध्यान दोगे, कोई मत लिखो, पेंस डाउन। इधर ध्यान दो, सबसे पहला कॉलम आता है ईयर, ओके फ्यूचर का कौन सा ईयर है, सपोज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह ऐसा जो भी रहेगा वो आ जाएगा इधर, ओके हो मेरे साथ सब लोग। फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं जनरली कि कैश आ रहा है या जा रहा है, मतलब कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तो सपोज ये इनफ्लो है, इनफ्लो है मतलब पैसा आ रहा है, ओके फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो, मतलब फ्यूचर कैश फ्लो। क्यों मैं उसको फ्यूचर कैश फ्लो बुला रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू क्यों बुला रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में मिलने वाले वैल्यूज हमारे लिए तो आज फ्यूचर वैल्यू बन गए ना, एवरीबॉडी समझा क्या? तो फर्स्ट ईयर में सपोज मुझे मिल रहा है 1 लाख और सेकेंड ईयर में 1 लाख, कैन आई कॉल दिस एज मल्टीपल कैश फ्लो? कुछ भी, कुछ भी, ये मल्टीपल कैश फ्लो है क्या? क्या है ये? एन्यूटी कैश फ्लो है, जानबूझ के ऐसा लिखता हूं मैं। क्या है ये? एन्यूटी कैश फ्लो है। इसको अगर 1 लाख के जगह लेट से 2 लाख बना दिया, अब ये बन गया मल्टीपल कैश फ्लो, है ना? बराबर क्या? कभी कभी अपने दिमाग पे भी भरोसा रखा करो, ओके फॉर अ चेंज। आगे यहां पर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे, मतलब हमारी भाषा में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या निकालेंगे बोलो? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। 8% सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं चाहता हूं कि आप लो 8% रेट, ओके कैलसीज लो 8% से फर्स्ट ईयर का फैक्टर निकालो। कुछ लोग सोच रहे कैसे निकाले सर, 1 divided by 1.08 is equal to कितना आता है 0.9259, सबकी कैलसीज पे है, बराबर है क्या? एंड सेकेंड ईयर में वन मोर टाइम इज इक्वल टू प्रेस करो 0.8573, आया क्या? उधर भी सबका आ रहा है। अब आई वॉन्ट यू टू इंटरप्रेट दिस 0.9259 क्या है, अगर 1 साल बाद 1 रुपए चाहिए तो आज वो वैल्यू है, बराबर, और ये 0.8573 अगर 2 साल बाद 1 रुपए चाहिए तो ये आज की वैल्यू है। बट हमको तो 1 साल बाद 1 रुपए नहीं चाहिए, 2 साल बाद 1 रुपए नहीं चाहिए, हमको 1 साल बाद 1 लाख चाहिए और 2 साल बाद 2 लाख चाहिए। तो कुछ मत करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 रुपये का आज का वैल्यू 0.9259 है, तो 1 लाख रुपीज का आज का वैल्यू कितना, 92,000। यहाँ पे आएगा DCF, what is DCF? Discounted cash flow, what is discounted cash flow? Present value. 2 मिनट के लिए पहले समझ लो, मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। इसको हम बुलाएंगे future value, अपनी भाषा में इसको बुलाएंगे present value factor, और ये है हमारा present value। बोलो फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू का? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ आर कॉमा एन। तो वही तो हुआ ना, इसका मतलब क्या ना, इसे कॉलम नंबर 5 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 3 × 4, सही है क्या एवरीबॉडी? तो दोस्तों
ये प्रेजेंट वैल्यू है। डीसीएफ का लॉन्ग फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डीएफ का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। ओके, फाइनेंस के कुछ टर्म्स है आपके लिए सब्जेक्ट नया, इसलिए एक दो दिन लगते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, बाद में समझ जाता है। डेबिट क्रेडिट समझ गया तो ये क्या है, बराबर है क्या? अभी 1 लाख को इंटू फैक्टर करेंगे तो आंसर आएगा 92,590, एंड 2 लाख को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,71,460, बराबर है? एंड दोनों को एडअप करेंगे तो आंसर आएगा 264,050। एवरीबॉडी सही है क्या? उधर भी चलिए आप यस इंटरप्रेट करो उसको 264,050 को। अगर 2 साल के बाद एक रुपया नहीं चाहिए मुझे, वो आंसर है वहां पे सामने। एक मिनट रुको, सब शांत रहो, आजू बाजू वाले बोलो। अगर 1 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए, 92,000 मुझे कुछ नहीं पता, वो 264 का आंसर बोल, 264,050 क्या है, मेरे को उसका इंटरप्रिटेशन चाहिए। आप ट्राई करो बोलो। हाँ, 1 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए और 2 साल के बाद 2 लाख रुपए चाहिए, तो आज 264,050 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एवरीबॉडी सही है क्या? कितने रेट से? 8% से। क्या ये आंसर सही आ रहे? कैलसी पे आप किसी को भी वेरीफाई कर लो। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। कैलसी पे जितना इन्वेस्टमेंट करना है वो टाइप करो 264,050। अभी इन्वेस्ट हुआ है कुछ, अभी क्या अभी चाहिए क्या? नहीं, 1 लाख रुपए 1 साल के एंड में चाहिए, तो इस पे इंटरेस्ट ले लो प्लस 8% करो। किया? माइनस 1 लाख कर दो क्योंकि 1 लाख विड्रॉ करना है। प्लस 8% करो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और माइनस कर दो 2 लाख, अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट। वो जो रुपए बचे बाद में मुझे दे देना क्योंकि वो राउंड ऑफ की वजह से निगेटिव है। ठीक है, डबल दे देना, डबल दे देना, कोई बात नहीं। दोस्तों लॉजिक समझा क्या? बहुत सिंपल चीज समझ रहे हम लोग। ओके, लिखिए लिख लो ये।
आई होप आप सबने लिखा है अच्छे से. यस, चलो नीचे इसका इंटरप्रिटेशन लिख दो वन लाइन में. दस इफ वी टुडे इन्वेस्ट, दस इफ वी टुडे इन्वेस्ट, रुपीज 2,64,050 at the rate of 8%, at the rate 8%, comma, first year end, we can withdraw, first year end, we can withdraw rupees 1 lakh, first year end, we can withdraw rupees 1 lakh, and second year end, we can withdraw rupees 2 lakhs. 2 साल बाद जब आप 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लोगे फिर उस खाते का बैलेंस जीरो बन जाएगा. कभी कभी क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे खाते का बैलेंस विड्रॉ होने के बाद जीरो जो बनता है उसके लिए वर्डिंग आता है द बैलेंस विल विथल डाउन टू जीरो. विथल डाउन टू जीरो मतलब कम होकर जीरो बन जाना. अंडरस्टूड? विथल डाउन टू जीरो मतलब क्या? एट द एंड कुछ नहीं बचना उस खाते में. अंडरस्टूड? चलिए लास्ट पार्ट है एन्यूटी कैश फ्लो. एन्यूटी कैश फ्लो दो टाइप के रहेंगे दोस्तों, आपने पढ़ा है सीपीटी में. सबसे पहला रहेगा फाइनाइट एन्यूटी और दूसरा रहेगा इनफाइनाइट एन्यूटी, जिसको हम क्या बुलाते हैं? परपेचुएटी. लिखो उधर. एन्यूटी के अंडर में दो टाइप. एन्यूटी के अंडर में दो टाइप है, फाइनाइट एन्यूटी एंड राइट हैंड साइड इनफाइनाइट एन्यूटी विच इज कॉल्ड एज परपेचुएटी. आपने ये वर्ड सुना रहेगा सीपीटी में, फाउंडेशन में, परपेचुएटी. बराबर है? परपेचुएटी इनफाइनाइट एन्यूटी का दूसरा नाम. फाइनाइट मतलब क्या? लिमिटेड पीरियड. इनफाइनाइट पर मतलब अनलिमिटेड पीरियड. ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले सिर्फ फोकस करेंगे फाइनाइट पर. आपने जो PVAF फैक्टर निकाला था वो किसके लिए था? फाइनाइट या इनफाइनाइट? कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते हो फाइनाइट, क्योंकि आप इज इक्वल टू इनफाइनाइट एम प्लस क्या इनफाइनाइट दबाओगे क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू एम प्लस करके जो PVAF से फॉर्मूला जो आया था वो इधर किसके लिए फिट होता है? सिर्फ फाइनाइट के लिए फिट होता है, इनफाइनाइट के लिए फिट नहीं होता वो. बराबर है? सही है क्या दोस्तों? तो इस लॉजिक से हमारा वो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इनटू PVAF R कॉमा N. बस वो फॉर्मूला आ जाएगा. क्या बोला हमने? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, सब लोग बोलो, एन्यूटी इनटू PVAF R कॉमा N. दो रिप्लेसमेंट किए मैंने फॉर्मूले में. हमने कितने रिप्लेसमेंट किए? दो. पहला रिप्लेसमेंट क्या था? फ्यूचर वैल्यू के जगह एन्यूटी लिखा, क्योंकि एक बार नहीं बार बार है. एंड दूसरा रिप्लेसमेंट PVAF आया, किसकी जगह? PVF के जगह. एवरीबॉडी लिखो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, लास्ट पेज दिस साइड गर्ल्स, उठा उसको यार, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम रुक गई, जल्दी आगे बढ़ो. ऐसे रुके रहोगे तो हम आगे चले जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगी. ये फॉर्मूला क्या था, इसका लॉजिक क्या था, सब कुछ हमने डिस्कस किया, आज रिवाइज भी किया. ओके, अब हम लोग जाते हैं इनफाइनाइट की तरफ. इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स. अब अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स फैक्टर निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं. तो इसके लिए कुछ और ही लॉजिक सोचना पड़ेगा. दो मिनट के लिए सोचते हैं. सपोज आई प्रॉमिस टू पे यू 1000 एवरी ईयर एंड, 1000 एवरी ईयर एंड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, सर
आप थोड़ा ना इन्फिनिट ईयर्स के लिए रहोगे और हम भी कहाँ रहेंगे. ऑब्वियसली वी कैन हैव सम अरेंजमेंट जहां से मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके आपको हर साल उधर दे सकता हूँ पैसा, और आप नहीं रहोगे तो आपके लीगल हेयर्स को मिल जाएगा, चलते जाएगा सिलसिला चलते जाएगा. आपको अगर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कोई अमाउंट मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू निकालना पॉसिबल है क्या? 1,000 फॉर इनफाइनाइट ईयर्स, आज उसकी वैल्यू निकालना है, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? यस, थ्रू टाइम वैल्यू ऑफ मनी इट्स पॉसिबल. चलो एक प्रपोजल है दोस्तों, अगर आप मुझे आज 12 लाख रुपए देते हो, है सपोज आपके पास, और दो मिनट के लिए सोचते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में 10% चल रहा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, 12 लाख रुपए आज मुझे दे दो और मैं आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स के लिए 1 लाख रुपए दूंगा, हर साल 1 लाख इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स के लिए. दोस्तों 12 लाख रुपए आप दे रहे हो, 12 साल में तो आपके 12 लाख वापस मिल जाएंगे. इंटरेस्ट 50 साल ले लो, 100 साल ले लो, उसके बाद में भी 1-1 लाख रुपए आना स्टॉप नहीं होगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? इमीडिएट ऑफर है सपोज, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? उधर कोई रेडी है क्या? 2-3 लोग ही है, इधर बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे रेडी है. ओके, हाथ नीचे कर दो. सपोज मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बोलता हूँ, झेपा नहीं शायद आधे लोगों को. 12 लाख रुपए आप दे रहे हो मुझे, मैं आपको हर साल 1-1 लाख रुपए दे रहा हूं हर साल, ओके, कब तक? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक. मैं नहीं रहूंगा, मेरी कंपनी देगी. इनफाइनाइट ईयर्स तक आपको मिलेगा, आप नहीं रहोगे आपके लीगल ईयर्स को मिलेगा, मगर मिलेगा. ऐसा चलेगा क्या? क्या चाहिए जिंदगी में आपको? आपके 12 लाख रुपए तो आपके 12 सालों में आ रहे हैं, उसके ऊपर जो आ रहा है सब इंटरेस्ट है, 50 साल 100 साल उसके ऊपर जो आ रहा है वो तो बोनस है. ऐसा नहीं होता फाइनेंस में, ऐसा नहीं होता. हमको आए दिन लोग ऐसे ही पागल बनाते हैं, येड़े में निकालते हैं. हमको बोलते हैं सर आप सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट कर दो, हमारी कंपनी आपको इतना हर साल देगी, ये देगी वो देगी. आप देखते हो कितने लोग वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह से अपॉइंटमेंट लेके बेचते होंगे दोस्तों, मगर वो सब प्रोडक्ट का कैलकुलेशन होता है कुछ, और वो कैलकुलेशन आप सीखने जा रहे हो आज. अगर कोई आपको ऐसा प्रॉमिस करता है कि 12 लाख रुपए देके 1-1 लाख रुपए आपको हर साल देगा, दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. क्यों? एग्जैक्टली. अगर तुम ये 12 लाख उसको नहीं दोगे और उसको बैंक में रख दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के अनुसार 12 लाख पर 10% 1,20,000 होता है, और वो आपको 1 लाख ही दे रहा है. तो 2 मिनट के लिए सोचते हैं, मैं फाइनेंस कंपनी हूं, आपने मुझे 12 लाख दे दिया, मैं क्या करूंगा? कोई चमत्कार नहीं है, आपका ये रिटायरमेंट प्लान था ये सोच के आपने मुझे दे दिया. मैं जाके उसको बैंक में रख दिया और बैंक मुझे, अभी आपने मुझे 12 लाख दिया, अभी क्या अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ क्या? नहीं. और मैं क्या करूंगा, उसको बैंक में रख दूंगा, 1 साल बाद मुझे मिलेगा 10% के अनुसार 1,20,000. आप आओगे बोलोगे 1 लाख दो, मैं बोलूंगा ओके, बैंक से मैं विड्रॉ करूंगा 1,20,000, 20 मेरे 1 लाख आपके. अगले साल आप फिर आओगे, अगले साल फिर वही स्टोरी होगी, सर अगले साल बैंक आपको कैसे 1,20,000 देगा सर, क्योंकि पिछले साल जो निकाला था वो तो सिर्फ इंटरेस्ट निकाला था ना, प्रिंसिपल अमाउंट तो अभी भी वैसा ही है. 12 लाख पे 1,20,000 इंटरेस्ट होता है, अपने विड्रॉ कितना किया इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट तो अभी भी वैसे ही है. जब तक 12 लाख वहां पे इंटैक्ट है, उस पे 10% के अनुसार अपने को हर बार 1,20,000 मिलने चाहिए, 1 लाख नहीं मिलने चाहिए. तो ऐसे प्रोडक्ट्स का रियल वर्थ कैसे निकालते हैं? उल्टा क्वेश्चन, अभी सेम क्वेश्चन बट उल्टे स्टाइल से. आपको हर साल 1 लाख चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे? इन्फिनिट ईयर्स तक 1 लाख चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आज करोगे? 10 लाख. बस बन गया फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एन्युटी का.
आपने जो 10 लाख निकाला वो क्या था? एक एक लाख रुपए हर साल का आज का वैल्यू कैसे निकाला बोलो? द 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%। सही है क्या दोस्तों? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% कितना आया? 10 लाख। खत्म बात। दैट इज द फॉर्मूला। समझे क्या? लिखो, इनफाइनाइट एन्यूटी के दो पार्ट है। एक है विथ कॉन्स्टेंट एन्यूटी, विथ कॉन्स्टेंट एन्यूटी, विथ कॉन्स्टेंट एन्यूटी, एंड दूसरा है विथ ग्रोथ रेट, विथ ग्रोथ रेट। अभी जो एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, उसमें कुछ ग्रोथ था क्या? विदाउट ग्रोथ है, मतलब कांस्टेंट है। ओके, उसका फॉर्मूला जो आपने बोला वही होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%। मतलब उसको फॉर्मूला बनाओ, व्हाट वाज 1 लाख, व्हाट वाज 1 लाख एन्यूटी, व्हाट वाज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या फॉर्मूला बन रहा है? ए डिवाइडेड बाय आर, आर आर, ए डिवाइडेड बाय आर, फॉर्मूला इज ए बाय आर। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर। व्हाट इज ए? एन्यूटी। व्हाट इज आर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे आपने ना इंटरेस्ट का फॉर्मूला चौथी कक्षा में सीखा है और उसी को चेंज किया हमने, और कुछ नहीं किया। देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बराबर है? हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो इंटरेस्ट को मैं बुला रहा हूं एन्यूटी, इज इक्वल टू पी इन टू आर। बराबर है? पी इज व्हाट? प्रिंसिपल अमाउंट टुडे। प्रिंसिपल अमाउंट टुडे को मैं क्या बुला रहा हूं? ए इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू आर। बराबर है क्या? अब इसको हम लोग क्या बना रहे हैं? फॉर्मूला डिस्काउंटिंग का हर बार प्रेजेंट वैल्यू से शुरू होता है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि वो आर इन टू है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये लॉजिक आपको फोर्थ स्टैंडर्ड में भी बोलते तो भी समझता, तो आप तो उससे थोड़े आगे हो, है ना? ए बाय आर इज नो मैजिकल फिगर, इट्स वेरी सिंपल। जितना आपको हर साल मिल रहा है वो इंटरेस्ट है, एंड डिवाइड दैट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आज कितना इन्वेस्ट करना है, वो समझ जाएगा। अब 2 मिनट के लिए सोचते हैं विद ग्रोथ रेट। राइट हैंड साइड क्या लिखा है? विद ग्रोथ रेट। आपको 1 लाख रुपए चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप डर रहे हो कि इन्फ्लेशन नाम की भी एक चीज है। आज 1 लाख बड़ी अमाउंट लगती है, बट आज से 10 साल बाद 1 लाख कुछ भी नहीं, 50 साल बाद 1 लाख तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो इन्फिनिट चलने वाली चीज है, क्यों नहीं रहेगा? इसका वैल्यू क्यों कम होगा? ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का भी तो एक रेट रहेगा ना, इन्फ्लेशन का भी तो एक रेट रहेगा। सही है क्या दोस्तों? देखो, हर साल इन्फ्लेशन का रेट सेम नहीं होता, बट मोर और लेस हम लोग एवरेज रेट निकाल सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज सपोज अज्यूम टू बी 3%। कितना? 3%। मतलब क्या सर? मतलब ये कि हर साल चीजों की कीमतें 3-3% से बढ़ती जाएगी। कैन आई से इन अदर वर्ड्स, हमको अगर परचेसिंग पावर सेम मेंटेन करना है तो हमारा अमाउंट 3% से ग्रो होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में अगर 1 लाख मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर में 1,03,000 मिलना चाहिए, उसके नेक्स्ट ईयर में 1,03,000 प्लस 3% मिलना चाहिए, 1,06,000 समथिंग आएगा वो, एंड 1,06,000 समथिंग प्लस 3% उसके अगले साल मिलना चाहिए। पिछला अमाउंट प्लस 3%, पिछला अमाउंट प्लस 3%। इससे क्या होगा? अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम अज्यूम कर लेते 3%, तो आपका वैल्यू भी 3-3% से ग्रो होता है, इसलिए ग्रोथ रेट होता है। अदर्स केस सोचते 2 मिनट के लिए। सपोज मुझे एक चैरिटी वर्क करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हर साल 1 लाख रुपए डोनेट करने चाहिए किसी एक आश्रम में, वॉट एवर पर्पज आई वॉन्ट टू डोनेट इट, बिकॉज 1 लाख इज अ वेरी गुड अमाउंट। बट फ्रेंड्स, 1 लाख इज वेरी गुड अमाउंट टूडे। मैं हर साल डोनेट करना चाहता हूँ, मैं कल रहूँ नहीं रहूँ वो डोनेशन चलते रहना चाहिए। इज इट पॉसिबल? यस। एक इन्वेस्टमेंट उनके नाम से कर दो
ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट पे आउट होते जाएगा, क्या बोला समझा, और उनको एक एक लाख मिलता जाएगा। बट 1 लाख आज अच्छा लग रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से अच्छा नहीं रहेगा, उसका परचेसिंग वैल्यू कम होते जाएगा। मैं ये भी चाहता नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन का इफेक्ट नलीफाई हो जाना चाहिए, उनको आज के 1 लाख मिलने चाहिए। तो ऑब्वियसली उस केस के लिए मुझे उनका डोनेशन अमाउंट हर बार पिछली फिगर से बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं ग्रोथ चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा फिर ग्रोथ लाने के लिए, उस अमाउंट्स में ग्रोथ लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन फ्यूचर अमाउंट्स का आज का वैल्यू निकाल कर इन्वेस्ट करूंगा। ये जो फ्यूचर वैल्यूज मिलने वाले हैं कब तक, कब तक, इनफिनिट इयर्स तक, इनका आज का वैल्यू निकालो और बैंक में डिपॉजिट कर दो। बट सर इनका आज का अमाउंट निकालना क्या पॉसिबल है क्या सर, मुश्किल लग रहा है ना, हर साल अलग अलग अमाउंट है। बट एक अच्छी बात है, रेट जो चाहिए ग्रोथ का वो कॉन्स्टेंट है, 3% रेट इज कॉन्स्टेंट, इस वजह से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे विथ ग्रोथ रेट के लिए, किसी के भी दिमाग में पहले क्या आता है, कहीं नहीं तो कहीं सर क्या करने वाले, ग्रोथ ऐड करेंगे। मेरा फॉर्मूला विथ ग्रोथ रेट के लिए रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस ग्रोथ रेट। क्या फॉर्मूला है, ए डिवाइडेड बाय आर माइनस जी, एवरीबॉडी ए डिवाइडेड बाय आर माइनस जी फॉर्मूला है मेरा। सर माइनस जी कैसे सर, ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ ऐड करो ना सर। कौन इसका लॉजिक बताएगा, बोलो ना। 10 लाख का एग्जांपल था, हाँ ओके, 1 लाख जो मिलता था वो 10 लाख का 10% था, इसलिए 10 लाख में 1 लाख मिलते थे। हाँ उसका 3% का एडजस्टमेंट देना है, डिनोमिनेटर में 7% आ गया, 10 माइनस 3 करके, न्यूमरेटर तो अभी भी वही है ना, 1 लाख। एक लाख डिवाइडेड बाय 7% करने से वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया, कितना आता है, 14,00,571। पहले वाला आंसर कितना था, कुछ समझा क्या, कुछ हिंट आई क्या, लॉजिक नहीं समझा होगा बट एटलीस्ट हिंट तो आया। एक हिंट ये है कि आपने जब 10 लाख इन्वेस्ट किए थे तो आपको 1-1 लाख मिल रहा था विदाउट ग्रोथ। अब आपको फ्यूचर में अगर ग्रोथ चाहिए तो ऑब्वियसली आज का इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा होना चाहिए, और आपका इन्वेस्टमेंट आज का बड़ा हुआ है, कितना है, 14,28,000। लॉजिक क्या है सर, मगर ये ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से सुनो, हमको बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी, 10%। 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि बैंक हमको 10% नहीं देगा, 7% ही देगा। कितने का ग्रोथ रेट चाहिए मुझे, 3%। मैं अज्यूम करूंगा कि बैंक मुझे 10 नहीं दे रहा है, 3 कम दे रहा है, ये मेरा अजम्पशन है। मगर मैं अज्यूम करने से बैंक रेट चेंज होता है क्या, नहीं। तो मेरे कैलकुलेशन पर्पज के लिए जितना मुझे ग्रोथ रेट चाहिए था मैंने बैंक के रेट में से उतना हटा दिया, और बैंक अगर मुझे 10% दे रहा था, मुझे 3% एक्स्ट्रा चाहिए था, मैंने क्या किया, मैंने बैंक का रेट अज्यूम कर लिया 3% कम है। तो दोस्तों बैंक का रेट मेरे मुताबिक कितना हो गया, 7%। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बैंक मुझे सिर्फ 7% इंटरेस्ट दे रहा है, उसके हिसाब से मुझे आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 14,28,571। ये जाके मैंने बैंक में भर दिए, सोचो ये जाके मैंने बैंक में भर दिए, बैंक मुझे इस अमाउंट पर फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट देगा, 10%। ध्यान से सुनो सब लोग, अभी ध्यान से सुनो सब लोग, बैंक मुझे कितना दे रहा है, 10%। कैन आई से मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक बैंक ने मुझे 3% एक्स्ट्रा दिया, खत्म ग्रोथ रेट। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक बैंक ने मुझे 3% एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि बैंक का रेट था 10, मैंने अज्यूम किया 7,
और अजम्पशन के साथ मेरा अमाउंट कितना आया, 14,28,000 समथिंग, ये मैंने जाके बैंक में भर दिए। एक साल बाद बैंक बोलेगा 10% लो, मैं बोलूंगा मैंने तो 7 ही एक्सपेक्ट किया था कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो मुझे मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा 3% मिल रहे हैं। और ये बैंक हर बार करेगा ना, अगले साल भी तो 10% ही देगा, उसके अगले साल भी तो 10% ही देगा, और मैंने भी तो हर बार 7% लिया है ना, तो हर बार मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। आर यू गेटिंग दिस एवरीबडी? चलो अनदर एग्जाम्पल, ये मैं आपको प्रूव नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये इनफाइनाइट ईयर्स है। 1 लाख वाला प्रूव करना बहुत आसान था क्योंकि अमाउंट हर बार सेम था, इनफाइनाइट रहने के बावजूद भी अमाउंट सेम था, इसलिए प्रूव कर सकता था मैं। ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज आप एग्जाम लिखने जाते हो और एग्जाम लिखते साथ ही बाहर आके आप एक बहुत ही बुरा काम करते हो जो करना नहीं चाहिए, डिस्कस करके आपका पेपर खुद ही चेक कर लेते आप, इसमें 5 में से 4, इसमें 10 में से 8, इसमें 8 में से 0, बराबर है। सपोज आपने एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते साथ ही ये सब किया और आपके कैलकुलेशन के मुताबिक एक टोटल स्कोर जो है वो 74 आ रहा है, 100 में से 74 हो गया, सब लोग 74। ये कैलकुलेशन करते वक्त आपने 5 मार्क का एक क्वेश्चन का आंसर गलत है ये सोच के 0 दे दिया, ठीक है, आपके कैलकुलेशन के मुताबिक कितना आया आंसर, 74। घर गए फिर भी चैन नहीं गिरता, वो बुक खोल के देखी, हर एक आंसर बराबर तो देख रहा हूं ना, बराबर तो कर रहा हूं ना, और वो जो 5 मार्क का एक क्वेश्चन था जिसका आप एग्जाम सेंटर में सोच रहे थे आंसर गलत है, घर आके पता चलता आंसर सही है। कितना स्कोर है, क्यों बढ़ाया? तुम्हारे कैलकुलेशन के मुताबिक पहले तो कम था, बट एक्चुअल में जब ज्यादा मिला तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो कैलकुलेशन के मुताबिक पहले मैंने क्या किया, ग्रोथ रेट कम किया, बट एक्चुअल में जब 10% है तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। एंड ये एग्जाम का एक साधारण एग्जाम्पल था, इसमें क्या होता है हम गलत आंसर के लिए उतना कट कर देते हैं बट बाद में पता चलता है कि वो आंसर सही है तो ऐड अप कर देते हैं। वैसे यहां पर भी बैंक मुझे 10% दे रहा था, मुझे पता है मेरा रेट 10 है बट मैं फिर भी जानबूझ के अज्यूम क्या करूंगा, 3% कम, मतलब 7%, ताकि मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक बैंक मुझे हर साल 3% एक्स्ट्रा देगा। देखो मुझे ग्रोथ चाहिए इसलिए इन रियलिटी ग्रोथ मिल सकता है क्या, कैन आई गिव एप्लीकेशन टू बैंक कि हर बार मुझे 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दो, बैंक बोलेगा घर पे जा, कौन है तू, अरे अगर बैंक का रेट 10 है तो 10 है, मुझे हर साल 3% एक्स्ट्रा चाहिए तो बैंक बोलेगा मैं क्या करूं भाई। मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मुझे मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक एक्स्ट्रा 3% मिले। तो मैंने क्या किया, अच्छा थोड़ा 2 मिनट के लिए, 1-2 साल आगे जाएंगे तो और भी आइडिया आएगी। 14,28,571 पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, 1,42,850 समझे, कितना बोला मैंने, इस अमाउंट पर जितना भी आज डिपॉजिट हो रहा है उस पे 10%, 1,42,000 857 बराबर। मगर मैं विड्रॉ कितना कर रहा हूं, इसमें से विड्रॉ कितना कर रहा हूं, डोंट यू थिंक मेरे पास इंटरेस्ट रीइन्वेस्ट हो रहा है और अगली बार कंपाउंडेड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, मगर फिर अगली बार मैं कितना विड्रॉ करूंगा, 1,03,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग, वापस अगले साल कुछ ना कुछ अमाउंट रीइन्वेस्ट होगा, ऐसा कर करके आपको ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ लाना है ना दोस्तों, ग्रोथ तो ग्रोथ रेट माइनस करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट से, और माइनस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर अपने को उतना एक्स्ट्रा चाहिए तो मान के चलते बैंक उतना कम दे रहा है तो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा मिल जाएगा, समझे क्या, ओके लिखते फॉर्मूला विद ग्रोथ रेट के लिए, फॉर्मूला रहेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी केस में ज्यादा आना चाहिए,
कांस्टेंट में या वो ग्रोथ रेट में? ग्रोथ रेट में, क्योंकि आपको फ्यूचर में ज्यादा चाहिए तो आज का इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, बराबर। 10 लाख की जगह अगर 14 लाख अमाउंट जा रहा है तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि आपको फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए। अंडरस्टूड? क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, पहले क्वेश्चन में नोट्स में आपके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एक नोट्स का कॉपी दो मुझे कोई। आपके नोट्स में पेज नंबर 9 पर आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम लोग, पहले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 ईयर एन्युटी ऑफ ₹20,000 डिस्काउंटेड एट 10%। एनीबडी हु कैन गिव मी आंसर? 63,397। कैसे निकाला आपने? 1 divided by 1.1 is equal to m plus। क्यों m plus? एन्युटी है इसलिए m plus दबाया, बराबर है क्या? और उसके बाद MRC किया, 4 बार m plus is equal to m plus किया, फिर MRC किया और into एन्युटी कर दिया। चलो सॉल्व करें। यहां पर सबसे पहले फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू बोला है, इसका मतलब डिस्काउंटिंग है ये, बराबर है। ऑफ अ 4 ईयर एन्युटी बोला है, क्लियरली वर्ड एन्युटी यूज किया है। और क्योंकि उन्होंने 4 ईयर बोला है दोस्तों, इसका मतलब ये कौन सा एन्युटी है? फाइनाइट एन्युटी। क्या बोल रहे हो? ध्यान है क्या सबका? क्योंकि 4 ईयर्स है तो ये क्या है? फाइनाइट एन्युटी है। एंड दोस्तों फाइनाइट एन्युटी में हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एन्युटी का अमाउंट 20,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, मतलब ए दिया है, आर दिया है, ओके, ए दिया है, आर दिया है, एन भी दिया है। आर और एन जब दिए रहते तो आप फैक्टर निकाल सकते हो, आर और एन जब दिया है तब फैक्टर निकाल सकते हो, ओके एवरीबॉडी। इनफाइनाइट रहेगा तो अपन ए बाय आर वगैरह से डील करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कल डिस्कस किया, आज रिवाइज किया, ओके वहां पे लिखो। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू PVAFR कॉमा N। प्रेजेंटेशन अच्छे से देख लो, बराबर आपको पेपर लिखना है, MCQs गोल गोल नहीं करने हैं, हाँ अच्छे से देखो। वेयर, नीचे लिखो वेयर एन्युटी इज इक्वल टू ₹20,000 पर एनम, ऑब्वियसली एन्युटी पर एनम ही होता है। उसके बाद आर इज इक्वल टू 10% ना, एंड एन इज इक्वल टू 1-4 ईयर्स लिखने का, 1 से 4 साल, 1-4 ईयर्स, एन इज इक्वल टू 1-4 ईयर्स, समझे? अब देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 20,000 इंटू कैलसिलो 1 divided by 1.1, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, हर बार 1.1 नहीं करते अपन, ओके, इज इक्वल टू एम प्लस फर्स्ट ईयर, इज इक्वल टू एम प्लस सेकेंड ईयर, इज इक्वल टू एम प्लस थर्ड ईयर, इज इक्वल टू एम प्लस फोर्थ ईयर। हो गया 4। MRC, मेमोरी रिकॉल, 3.5
1699 आया क्या सबका ये? इसको मल्टीप्लाइड बाय 20,000 करो, 63,397. आप इंटरप्रेट कर सकते हो इस आंसर को, कोशिश करो. 63,397 क्या है? एक मिनट को समझो. 4 साल तक आराम से बोलो, कोई गड़बड़ नहीं. सब लोग इंटरप्रिटेशन सोचो उसका. क्या बोले? 20,000 वी विल इन्वेस्ट. थोड़ा जोर से बोलो, कितना इन्वेस्ट करूं मैं? 63,397 इन्वेस्ट. कब? आज. 4 साल तक हर एक साल में 20,000 मिलेंगे. कितने सालों तक? अगले 4 सालों तक. करेक्ट है क्या उसका आंसर? एब्सोल्युटली करेक्ट. इफ आई इन्वेस्ट रुपीज 63,397 एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर एंड आई कैन विड्रॉ 20,000 पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years. लिखो. दस इफ वी टूडे इन्वेस्ट, दस इफ वी टूडे इन्वेस्ट रुपीज 63,397 एट द रेट 10% एट द रेट 10% कॉमा every year end we can withdraw, every year end we can withdraw rupees 20,000 for next for next 4 years. Every year end we can withdraw rupees 20,000 for next 4 years. आ रहा है क्या सबको? उधर भी बॉयज सबको जम रहा है? अच्छे से पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो, और वो है क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है आपको. सोचना है पहले क्या आंसर रहेगा. सॉरी 1. लिखना नहीं, कैलसी पे सॉल्व करना है पहले. उसके दो पार्ट है उसके. ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन. पहले पार्ट का आंसर बताओ कितना है. उधर के लोग कितना आता है? 10 लाख सबका आया. पीछे बॉयज लास्ट बेंच कितना आंसर है? 10 लाख. और सेकेंड पार्ट 16,66,667 आया क्या सबका आंसर? ये इजी है, चलो लिखते हैं. फर्स्ट पार्ट पहले सुन लो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ते एक बार. यू वांट टू एंडोवर प्राइस दैट वुड पे रुपीज 1 लाख पर एनम. आप प्राइस देना चाहते हो जिसकी कीमत हर साल 1 लाख रुपए रहेगी. कितने सालों तक बोला क्या? नहीं, तो ऑब्वियसली हर साल इनफाइनाइट ईयर्स हो जाएगा वो. एंड उसके बाद उन्होंने बोला यू वॉन्ट टू मेक अ वन टाइम पेमेंट बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेयर यू वुड बी ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट ईयर्स. आप एक बार आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बिकॉज आप श्योर नहीं हो कि आप अगले सालों में कहां रहोगे. ओके,
इफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, हाउ मच विल यू हैव टू इन्वेस्ट टूडे? दिस इज फर्स्ट पार्ट. हम लोग सेकेंड पार्ट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे. हाउ मच वी नीड टू इन्वेस्ट टूडे? हर साल 1-1 लाख आपको डोनेट, मतलब प्राइज देना है. आज रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, तो 10% से इन्वेस्ट करके मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 10 लाख का. कैसे आंसर आया? ए बाय आर करके आया, बराबर है. तो यहां पे लिखो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर, वेर वेर ए इज इक्वल टू एन्यूटी, वेर ए इज इक्वल टू एन्यूटी विच इज इक्वल टू ₹1 lakh. ए इज इक्वल टू एन्यूटी विच इज ₹1 lakh, बराबर है क्या? आर इज इक्वल टू 10%, तो सीधा सीधा 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, आंसर कम्स टू ₹10 lakhs. ये फर्स्ट पार्ट था. नीचे लिखो दस दस. इफ वी टुडे इन्वेस्ट, ₹10 lakhs, इफ वी टुडे इन्वेस्ट ₹10 lakhs एट द रेट 10%, एट द रेट 10%, कॉमा एवरी ईयर वी कैन एंडोव अ प्राइज, एवरी ईयर वी कैन एंडोव अ प्राइज, एंडोव अ प्राइज वर्थ ₹1 lakh, वर्थ ₹1 lakh फॉर इनफाइनाइट ईयर्स. लिखा अच्छे से, समझा क्या? अब सेकेंड पार्ट पढ़ो उसका. अब सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग. पूरा एंड तक पढ़ने वाले लोग ऐसे सोचेंगे विद ग्रोथ है बोलकर. पहले विदाउट ग्रोथ था, अब ग्रोथ आता है. और सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है, इफ यू वांट द प्राइस टू इंक्रीज बाय 4% ईच ईयर, हाउ मच विल यू हैव टू इन्वेस्ट टुडे? व्हाट इज दैट 4% ग्रोथ रेट है वो. और अगर ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ एड नहीं करेंगे, लेस करेंगे. किस में से लेस करेंगे? आर में से लेस करेंगे. हम मान के चलेंगे कि बैंक हमको 10 नहीं दे रहा है, 10 में से 4 कम दे रहा है, तो कितना दे रहा है? 6 दे रहा है. ये 6 दे रहा है तो ऑब्वियसली 6 देंगे, उसके हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा. बढ़ा हुए इन्वेस्टमेंट पे बैंक एक्चुअली कितना देगा? 10 देगा. तो हर साल हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक 4% एक्स्ट्रा देगा, समझे? तो फिर नीचे लिखेंगे, इफ we want a growth rate, if we want a growth rate of 4%, niche PV is equal to A divided by R minus G, where A is equal to annuity is equal to ₹1 lakh, where A is equal to annuity is equal to ₹1 lakh, R is equal to 10%, R is equal to 10%, and G is equal to growth rate is equal to 4%. G is equal to growth rate is equal to 4%. तो दोस्तों उस लॉजिक से 1 लाख को डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10% माइनस 4%, तो इफेक्टिवली 1 लाख क्या हो रहा है? कितने परसेंट से डिवाइड हो रहा है? 6% से. और आपका आंसर 16,66,6667 आता है.
देखिए अमाउंट बढ़ गया। अमाउंट क्यों बढ़ा? क्योंकि आपको आ गया अमाउंट भी तो ज़्यादा चाहिए ना। तो अगर फ्यूचर में अमाउंट ज़्यादा चाहिए तो आज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। नीचे लिखो 10 10। इफ वी टुडे इन्वेस्ट रुपीज 16,66,667 16,66,667 at the rate 10% comma we can endeavor prize we can endeavor prize of rupees 1 lakh of rupees 1 lakh per annum plus 4% growth on it plus 4% growth on it समझ गए? तो आपको ग्रोथ चाहिए तो आप आर माइनस जी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे? फिफ्थ क्वेश्चन पर आओ, पढ़ो और खुद ही बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन पढ़ा सेकंड केस में? यस सर। फर्स्ट केस नो? पक्का? किसी और का कोई और आंसर है? पक्का? मैं इसका मतलब समझ रहा है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है, फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट रुपीज 1100 एंड देन रिसीव अ रिटर्न ऑफ रुपीज 80 पर एनम परपेचुअली, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स। तो वो क्या बोल रहे हैं? आज उनको कितना दो? 1100। हर साल कितना ले लो ना? कितना लेना है? 80 रुपीज। चलेगा क्या ऐसा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, शुड यू एक्सेप्ट द ऑफर? क्यों नो? अगर आप 1100 रुपए भर रहे हैं, उस पर 8% के अनुसार 88 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बराबर है क्या? बट वो कितने का दे रहे? 80 का दे रहे, तो 8 रुपए कम दे रहे ना, तो इसलिए आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो एक काम करो, उल्टा सोचते हैं। अगर वो आपको 80 80 देते तो उसका एक्चुअल वर्थ कितना है? 80 80 80 अगर है हर साल, 80 मतलब अभी इतना नहीं बोल रहा हूं मैं 80 रुपीज की बात कर रहा हूँ। ओके तो हर साल क्या होगा फिर बोलिए, क्या होगा? 80 80 रुपीज एवरी ईयर 8% से आज 1000। बट हमको कितना मांग रहे वो लोग? 1100। एक्स्ट्रा कितना मांग रहे? 100। दोगे क्या? उसका वर्थ ही नहीं है ना। 1000 रुपए की वर्थ की चीज अगर कोई 1100 में दे तो आप लोगे क्या? नहीं। समझे एवरीबॉडी? चलो इसको लिखते, फर्स्ट पार्ट पे फोकस करो। इसके भी दो पार्ट है, सिर्फ पहले पार्ट पे फोकस करेंगे हम लोग। दो टाइप से आंसर लिखा जा सकता है, एक वो पहले आपने बोला वो 88 and 80 वाला, या दूसरा 80 80 रुपीज हर साल का आज का वैल्यू निकाल कर। क्या करना है? फर्स्ट सेकंड कोई भी यूज कर लो, दोनों से करते। चलो वहां पे लिखो, इफ वी इन्वेस्ट
रुपीज 1100 विथ बैंक कॉमा वी विल गेट, डबल कॉलन नीचे लिखो, 1100 इंटू 8% 88 पर एनम. इफ वी इन्वेस्ट 1100 विद बैंक वी विल गेट 1100 इंटू 8% 88 रुपीज पर एनम. वेर एज फाइनेंस कंपनी इज ऑफरिंग is offering annuity of rupees 80 only. Finance company is offering annuity of rupees 80 only. Therefore, the offer should not be एक्सेप्टेड. सही है क्या? नीचे लिखो अल्टरनेटिवली. ये तो बहुत ही आसान तरीका था. अल्टरनेटिवली जो फॉर्मुलेज हमने देखे उससे भी इसका आंसर आता है. ये तो आपने आपका नॉर्मल इंटरेस्ट वाला लॉजिक लगाया. अल्टरनेटिवली नीचे लिखो प्रेजेंट वैल्यू is equal to annuity divided by rate of interest. Annuity divided by rate of interest is equal to कितने का annuity है? 80 rupees they are offering ना. And rate कितना चल रहा है? 8%, which comes to rupees 1000. 80 rupees divided by 8%, 1000 rupees. नीचे लिखो thus if we get rupees 80 per annum, thus if we get rupees 80 per annum for infinite number of years, comma, the actual worth is only rupees. The actual worth is only rupees 1000. Whereas finance company requires investment amount of rupees, investment amount of rupees, whereas finance company requires investment amount of rupees 1100. Therefore, the offer should not be accepted. ये जो आपका सॉल्यूशन था इसके ऊपर सिर्फ एक हेडिंग का लाइन डालो. Part 1, if interest rate, एक लाइन ऊपर ऐड करना पड़ेगा आपको जहां सॉल्यूशन स्टार्ट किया था आपने. If interest rate is 8%, second part solve करो. Second part आप क्या बोलोगे? If interest rate is 5%, बोला ना आगे उन्होंने,
विल योर ऑफ डिसीजन चेंज इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%? तो वहां पे लिखो आप सेकंड पार्ट में, इफ इंटरेस्ट रेट इज, पार्ट टू लिख रहा हूं मैं अभी, इफ इंटरेस्ट रेट इज 5%, वापस सॉल्व करो, आप करो, स्क्रीन की तरफ मत देखो। कर रहे हो ना सब लोग? चलिए आंसर रेडी, इलेवन हंड्रेड इंटू 5% 55 रुपीज ओनली। बैंक में भरेंगे तो 55 रुपये हर साल मिलेंगे, फाइनेंस कंपनी आपको ऑफर कर रहा है 80 रुपये, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। एंड यहां पर भी आपका वैल्यू दूसरे मेथड से अल्टरनेटिवली से 80 रुपये डिवाइडेड बाय 5% करके 1600 रुपये, 1600 रुपीज आता है, जबकि फाइनेंस कंपनी हमसे सिर्फ 1100 ले रहा है। तो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। कंक्लूजन के साथ आंसर रेडी है? वर्डिंग्स खुद बनाना चाहते हो, मतलब लिख रहे हो अच्छे से, आ रहा है वर्डिंग करना? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे चले। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, होमवर्क मार्क करो उसको, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आके होमवर्क मार्क करो। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, देखो एक बार ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन, यस और नो, कर सकते हो क्या? ट्राई करो, चलो जल्दी। कि होमवर्क करोगे? करेंगे, मार्क करो होमवर्क उसको। क्वेश्चन नंबर 3 को होमवर्क मार्क करो, सेवेंथ पर आओ, ये सॉल्व करते हैं साथ में, एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से सॉल्व करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है, अज्यूम दैट रुपीज 20 लाख प्लांट एक्सपेंशन इज टू बी फाइनेंस्ड एज फॉलोज। 20 लाख रुपए का प्लांट का एक्सपेंशन है,
उसके लिए जो पैसा लगेगा उसका फाइनेंसिंग कैसे होगा? फाइनेंसिंग मतलब कौन सा डिसीजन? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फाइनेंसिंग फंक्शन। द फर्म मेक्स अ 15% डाउन पेमेंट। पता है आपको डाउन पेमेंट क्या होता है? खुद की जेब से जो तुम लगाते हो, बैंक को नहीं देते, उस एसेट की तरफ पेमेंट जो तुम करते हो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। आपकी जेब से जो आप एसेट के लिए पैसा दे रहे हो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो 15% डाउन पेमेंट आपने दिया, कितना रुपया होता है? 3 लाख। 20 लाख का 15% 3 लाख आपने दिया। एंड बोरोज द रिमाइंडर एट 9% इंटरेस्ट रेट। रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 17 लाख। बोरो कर लिया बैंक से आज कितने रेट से? 9% से। द लोन इज टू बी रीपेड इन 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लोन रीपे करना है आपको। एंड बिगिनिंग 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। लोन रीपेमेंट आज से शुरू नहीं हो रहा है, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ से शुरू हो रहा है। बिगिनिंग 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब क्या? शुरू होगा 4 साल बाद। बिगिनिंग 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ कैसे बोलेंगे? शुरू होगा 4 साल बाद। बराबर है क्या? एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर नहीं बोला उन्होंने, बिगिनिंग 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोला पाटिल साहब। हम क्या बोल रहे हैं? इंस्टॉलमेंट 4th साल के बिगिनिंग से शुरू नहीं हो रहा है, शुरू होगा 4th साल के एंड से। बिगिनिंग 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 4th साल के एंड से शुरू होगा वो। ओके, एंड उन्होंने क्या बोला है उसके लिए क्लियरली? व्हाट इज द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड एनुअल लोन पेमेंट? व्हाट इज द साइज ऑफ रिक्वायर्ड एनुअल लोन पेमेंट? लेट मी एक्सप्लेन यू। आज प्रेजेंट वैल्यू 20 लाख रुपए चाहिए थे, एवरीबॉडी पे अटेंशन नाउ। उसमें से आपने 15% डाउन पेमेंट कर दिया, 3 लाख। 17 लाख रुपए आपने क्या किए? लोन ले लिया, 17 लाख का लोन ले लिया बैंक से। कितने रेट से? 9% से। ये लोन कब लिया है आपने? आज। आज प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को जनरली ईयर जीरो बोलते हैं। ईयर जीरो मतलब आज। ईयर जीरो में 12 महीने नहीं होते, आज के टाइम को बोलने के लिए ईयर जीरो बुलाते। क्या बोला समझा? आज के वक्त को बुलाने के लिए ईयर जीरो बुलाते, इसमें 12 महीने नहीं होते। फर्स्ट ईयर में पूरे 12 महीने रहेंगे, सेकेंड ईयर में 12 महीने रहेंगे, बट ईयर जीरो में कभी 12 महीने नहीं रहते, वो आज का समय है। नाउ दे आर सेइंग ईयर जीरो के बाद फर्स्ट ईयर आएगा, सेकेंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, फोर्थ ईयर आएगा। आज आपने कितना लोन लिया? 17 लाख 9% से। फर्स्ट ईयर में कितना दोगे? कुछ भी नहीं। फर्स्ट ईयर बिगिनिंग में कुछ नहीं दिया, एंड में कुछ नहीं दिया। सेकेंड ईयर बिगिनिंग में एंड में कुछ भी नहीं दिया। थर्ड ईयर बिगिनिंग एंड में कुछ भी नहीं दिया। फोर्थ ईयर बिगिनिंग में कुछ नहीं दिया, बट एंड में कितना दिया? इंस्टॉलमेंट दिया। कैन आई से इंस्टॉलमेंट इज एन्यूटी? इंस्टॉलमेंट इज एन्यूटी। सर वाई सर? बिकॉज इट इज इक्वल, एवरी ईयर इट इज सेम ना, तो उसको एन्यूटी बुला सकते ना हम लोग। और ऐसा कितने सालों तक चलेगा? अभी 8 सालों तक चलेगा। 8 साल तक नहीं, अगले 8 ईयर्स चलेगा ऐसा, क्योंकि हमको इंस्टॉलमेंट्स कितने पे करने हैं? 8। तो 5, 6, 7, 8। रुक जाओ क्या? अगर रुक जाएंगे तो पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा और पांचवा इंस्टॉलमेंट ही हुआ अभी तक, तो रुकना पॉसिबल है क्या? तो अब इसके आगे और बढ़ना पड़ेगा, 9th ईयर में, 10th ईयर में, 11th ईयर में, तो वो 6th इंस्टॉलमेंट, 7th इंस्टॉलमेंट और 8th इंस्टॉलमेंट आएगा। डू यू अग्री? एनी कन्फ्यूजन? शुड आई रिपीट? पक्का ना? ओके। 8 इंस्टॉलमेंट शुरू होंगे 4th साल के एंड से। पहला इंस्टॉलमेंट 4th साल के एंड से शुरू हुआ, इसीलिए वो 8th ईयर तक रुका नहीं है। 8th ईयर तक अगर रुका देंगे तो एग्जैक्टली 5 ही इंस्टॉलमेंट होंगे, पॉसिबल नहीं है ना। हमको कितने इंस्टॉलमेंट देने? 8। तो हमारा इंस्टॉलमेंट पीरियड क्या है? इंस्टॉलमेंट पीरियड बताओ। 4 से लेकर 11 ईयर्स। सर मगर वो 4th ईयर एंड था सर। यस, फ्यूचर वैल्यू जब भी आप बोलते हो वो ईयर का एंड होता है। इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक,
जो भी फ्यूचर वैल्यू हम बोलते हैं वो ईयर का एंड होता है। तो फोर्थ ईयर के एंड से इलेवेंथ ईयर के एंड तक जो भी आप पे कर रहे हो ये है इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक, और वो आपको निकालना है कि कितना रहेगा। व्हाट शुड बी द एन्यूटी, एन्यूटी अमाउंट जो देना है बैंक को वो कितना देंगे। ध्यान दो, अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। क्वेश्चन समझा क्या? आंसर छोड़ दो, क्वेश्चन समझा। आज बैंक से कितना उधार लिया? 17 लाख, 17 लैक्स। एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कुछ भी नहीं दिया। फोर्थ ईयर से इलेवेंथ ईयर तक 8 इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो आप, वो इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट करेंगे वो निकालना है। समझे? मुझे बोलो, जो इंस्टॉलमेंट्स आप दोगे वो एन्यूटी है। एन्यूटी में कितने टाइप्स है? हमारे चार्ट में एन्यूटी में कितने टाइप है? दो, एक है फाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट। ये कौन सा है? क्यों फाइनाइट है? 8 इंस्टॉलमेंट देने ना, तो फाइनाइट बन गया ना। एवरीबॉडी, डू यू हैव अ फॉर्मूला फॉर फाइनाइट एन्यूटी? बोलो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इनटू PVAFR, N। डू यू नो वॉट इज प्रेजेंट वैल्यू? यस, द अमाउंट ऑफ लोन टेकन टूडे इज प्रेजेंट वैल्यू। कितना? 17 लैक्स। बराबर क्या दोस्तों? उधर सबको समझ रहा है क्या? ध्यान हो क्या? सबका ध्यान है इधर। एंड 17 लाख रुपए बन गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू। वॉट इज एन्यूटी? वी डोंट नो, वही तो ढूंढना है। ओके, कैन यू फाइंड PVAF? यस, फॉर फाइंडिंग PVF यू रिक्वायर ओनली टू थिंग्स, आर एन। दोनों दिया है ना? आर कितना दिया है? आर कितना दिया है? 9%। एन कितना है? 8 ईयर्स ले लू क्या? कैसे 8 ईयर होगा? 8 ईयर्स कैसे लेंगे? अरे मेरा एन्यूटी फर्स्ट ईयर से शुरू नहीं हो रहा है, सेकेंड ईयर से नहीं हो रहा है, थर्ड ईयर से नहीं हो रहा है, फोर्थ ईयर से हो रहा है। नो हेड डाउन प्लीज गर्ल्स, पेरेंट्स चली जा रही है। ध्यान दो बेटा, फर्स्ट ईयर से अगर मेरा एन्यूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो मेरा 8 साल का पीरियड लेना गलत हो जाएगा। एन शुड नॉट बी 8 ईयर्स, एन शुड नॉट बी 1-8, एन शुड बी 4-11 ईयर्स। और यहां पे आपका जीटी फेल है, यहां पर जीटी फंक्शन काम नहीं करेगा आपको। इसीलिए पहले से वो आदत ही नहीं डाली हमने, हमको जीटी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इस वजह से। अब इमेजिन करो आप इसका फैक्टर कैसे निकालोगे, 4-11 का 1 डिवाइडेड बाय 1.09। पूरी क्लास मेरे साथ बोलना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इज इक्वल टू नो एम प्लस, क्योंकि इंस्टॉलमेंट शुरू नहीं हुआ। इज इक्वल टू सेकेंड ईयर नो एम प्लस, इज इक्वल टू थर्ड ईयर नो एम प्लस, इज इक्वल टू फोर्थ ईयर एम प्लस, फिफ्थ ईयर एम प्लस, 11 साल तक एम प्लस MRC। डू यू अग्री? कैसे निकाला? 4-11 बराबर फोर्थ ईयर से इज इक्वल टू एम प्लस शुरू किया, कब तक? 11th ईयर तक। 8 इंस्टॉलमेंट कवर हुए। अगर यही सेम चीज आप 1-8 करते तो अलग आता, और 4-11 कर रहे तो अलग आ रहा है। समझे क्या? सबको समझा क्या? एनी डाउट? स्टार्ट करें, इससे PVF आ जाएगा और PVF वैल्यू से एन्यूटी निकाल लेंगे हम लोग। बोलो लाला। कभी कैलकुलेट करते? अब दिया है तो क्यों कैलकुलेट करें? मैं समझाऊंगा ना आपको, डोंट वरी, सब क्वेश्चन आंसर होंगे आपके। स्टार्ट करो, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, ये लॉजिक क्या है ये सब समझाते हैं। आप लिखो सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ टुडेज बोरिंग
कैलकुलेशन ऑफ टुडेज बोरोइंग जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू बुलाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ टुडेज बोरोइंग जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू बुलाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, निकालो अमाउंट कितना बोरो कर रहे हैं आप, कैसे निकालोगे? प्लांट एक्सपेंशन 20 लाख माइनस 15% डाउन पेमेंट लिखो वहां पर, टोटल अमाउंट फॉर प्लांट एक्सपेंशन, टोटल अमाउंट फॉर प्लांट एक्सपेंशन, टोटल अमाउंट फॉर प्लांट एक्सपेंशन कितना? 20 लाख माइनस डाउन पेमेंट 15% ऑफ 20 लाख, कितना आता है? 3 लाख। लेस करने के बाद जो बचा 17 लाख है वो आज का बोरिंग है, 17 लाख टुडेज लोन अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू है आपका। हो गया ये? अब ये प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास रेडी है एंड मुझे एन्युटी निकालना है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। पीवी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? ए इंटू पी वी ए एफ आर कॉमा एन लिखो। PV इज इक्वल टू A इंटू पी वी ए एफ आर कॉमा एन, वेर PV इज इक्वल टू, PV इज इक्वल टू 17 लाख, A इज इक्वल टू लोन इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, A इज इक्वल टू लोन इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वही पूछा है आपको उन्होंने। A is equal to loan installment is equal to question mark. R is equal to, R is equal to 9%. R is equal to 9%. N is equal to, दो चॉइस है हमारे पास, 8 years लिख दे या 4-11 लिखे। 4-11। अब आपको समझा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने 4 years क्यों नहीं लिखने बोला आपको, मैंने 1-4 क्यों लिखा? आपने कुछ सोचा भी, कुछ लोगों की आवाज भी आई मुझे, सर 1-4 क्यों बोल रहे हो? इधर आपका आंसर क्लियर हो रहा है। 4 years लिखना पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं करता है कि आपकी एन्युटी कहां से कहां तक है, 1-4 है वो, बट एन्युटी कभी बीच में से शुरू हो सकती है अचानक से, जैसे यहां पे शुरू हो रही है, बराबर है क्या? ये जो पहले कुछ साल आप लोन नहीं रीपे कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट भी नहीं भर रहे हो, इसको बैंकिंग भाषा में मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं, इसको मोरेटोरियम पीरियड। ये कब होता है वो भी समझ लो, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जहां पे इन्वेस्टमेंट अभी लग रहा है बट रिटर्न्स 2-3 साल के बाद आने शुरू होंगे। मान लेते हैं जैसे कि विंड मिल प्रोजेक्ट है, पवन चक्की विंड मिल प्रोजेक्ट है, इरेक्शन कमीशनिंग टेस्टिंग करने के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1.5-2 साल लग जाते हैं। अब बैंक से लोन ले रहे हम लोग आज, इंस्टॉलमेंट अगर इमीडिएटली शुरू हो जाएगा तो हम इंस्टॉलमेंट कहां से देंगे? तो इसको बोलते हैं जस्टेशन पीरियड। कौन सा पीरियड होता है ये? जस्टेशन पीरियड होता है, हमारे बिजनेस को सेटल करने का फेज होता है वो, और ये सेटलिंग फेज में हम बैंक के इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे सकते, अगर दिए तो हमारे कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनसे ही लोन ले रहे उसी में से इंस्टॉलमेंट देंगे, गलत फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगा। इसीलिए जस्टेशन पीरियड अगर है, इंडस्ट्री के नेचर को देखकर बैंक क्या अलाउ करता है? नो इंस्टॉलमेंट पीरियड। बैंक क्या अलाउ करता है? नो इंस्टॉलमेंट पीरियड, जिसको बैंकिंग भाषा में बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। आज आपने 2 टर्म सीखे मेरे साथ, जस्टेशन पीरियड, मोरेटोरियम पीरियड। जस्टेशन पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू सेटल द बिजनेस, आर यू गेटिंग? एंड मोरेटोरियम पीरियड मतलब नो इंस्टॉलमेंट पीरियड। अगर ऐसा है कि आपके बिजनेस को सेटल करने के लिए कुछ टाइम लगता है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बैंक आपको मोरेटोरियम पीरियड अलाउ करे और आपका इंस्टॉलमेंट उसके बाद शुरू करे, समझे? इससे आपके कैश फ्लो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो यहां पर इस बैंक ने
कंपनी को 3 साल का क्या दिया है, मोरेटोरियम पीरियड। जितनी बार यूज करोगे ऐसे टर्म्स याद हो जाएंगे। ओके, मोरेटोरियम पीरियड कितने साल का दिया है? 3 साल का, क्योंकि उसका जस्टेशन रहेगा 3 साल। टाइम रिक्वायर्ड टू सेटल द बिजनेस, प्लांट स्टार्ट करना, टेस्टिंग कमिश्निंग करना। ओके, अब वेयर लिखा अच्छे से, जहां 4-11 years लिखा है वहां पे लिखो ब्रैकेट में 8 installments। सब लोग 4-11 years जहां पे लिखे हैं वहां पे लिखो 8 installments, 8 installments, ध्यान दो इतना, 8 installments। अब आप कैलसी लो और मुझे PVAF निकाल के बताओ। 4.2739। बाकी लोग मेरे साथ करेंगे एक बार, 1 divided by 1.09 is equal to no m plus, 3 साल खत्म। अब 4th year से m plus शुरू, is equal to m plus 11th year तक, लास्ट में MRC कितना आया? यस, 4.2739। तो हमारा आंसर कैसे आएगा? 17 लाख इज इक्वल टू एन्यूटी इन टू 4.2739। देयरफॉर एन्यूटी इज इक्वल टू 17 लाख डिवाइडेड बाय 4.2739। एन्यूटी अमाउंट कम्स टू 3,97,763। अलग आंसर, सगळ्यांना जमतंय का? आई एम श्योर आप में से काफी लोग ये सोच रहे, सर आज 17 लाख ले रहे, बैंक को 3 सालों तक कुछ नहीं दे रहे, चौथे साल के एंड से 11th year के एंड तक आप अगर 397 दोगे इंस्टॉलमेंट, तो 8 ही इंस्टॉलमेंट दिया आपने, पहले 3 साल जो यूज किया उसके इंटरेस्ट का क्या? तो पहले 3 साल के केस में बैंक हमको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दामाद थोड़ना है अपन बैंक के, करेगा, और वो इंटरेस्ट का इफेक्ट इन इंस्टॉलमेंट्स में ऑलरेडी आ चुका है। कैसे सर? चलो एक काम करते हैं, ये सेम क्वेश्चन 1-8 लेते हैं। लो कैलसी, 1 divided by 1.09 इज इक्वल टू एम प्लस, स्टार्ट कर दो पहले साल से, कब तक? 8वें साल तक। कितने इयर्स हो गए? 8। कितने इंस्टॉलमेंट्स हो गए? 8। समझे क्या? अब आपके मेमोरी में जो फिगर है वो रहने दो, ठीक है? मेमोरी में फिगर है वो रहने दो। अब जैसे तुमने 17 लाख को इस फैक्टर से डिवाइड किया है, वैसे आपका फैक्टर जो अभी आया वो 17 लाख से डिवाइड होगा। अभी जो आपका फैक्टर आया वो 17 लाख से डिवाइड होगा ना, क्योंकि ये फैक्टर भी तो अपन ने 17 लाख से डिवाइड करके आंसर निकाला ना। तो आप कैलसी पे डायरेक्टली टाइप करो 17 लाख, डायरेक्टली टाइप करो 17 लाख डिवाइडेड बाय MRC। क्या किया सर? मेमोरी के फिगर से 17 लाख को डिवाइड किया, इज इक्वल टू दबाओ कितना इंस्टॉलमेंट आया? 3,07,000 समथिंग आया, 3,07,000 समथिंग आया क्या? सबका लॉस्ट इन ट्रांजिट कोई है क्या? 17 लाख को डिवाइड बाय न्यू नया फैक्टर किया तो आंसर 3,07,000 कुछ आया, और यहाँ पे तो 3,97,000। ऊपर का 90,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे भाई? पहले 3 साल का इंटरेस्ट है वो, जिसकी वजह से आगे के इंस्टॉलमेंट बढ़ के आ रहे हैं। आई होप लाला क्लियर हो गया आपका क्वेरी, बराबर है? सत्रह लाख पे 3 साल का इंटरेस्ट लेके तुमको ऐड करना पड़ेगा, उसको उस वक्त का प्रेजेंट वैल्यू मानना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट निकालने पड़ेंगे। यस, बट वो यही बेटर है, ऐसे करने में जब टाइम नहीं भी आपके पास। कितने मार्क का क्वेश्चन है ये? 2 से 4 मार्क, कभी अगर मूड अच्छा रहेगा तो 4 मार्क, नहीं तो 2 मार्क, क्योंकि ऐसे जो तुम 2-2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो इसके वेटेज के 8-8 मार्क नहीं रहने वाले एग्जाम में, समझे क्या? आई होप सब लोगों को क्लियर है। लिखो नीचे, दस द एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट, दस द एनुअल लोन इंस्टॉलमेंट
is rupees. Annual loan installment is rupees 3,97,763. अगर मैं आपको एडेडली एक क्वेश्चन पूछूं, इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टेल मी द टोटल अमाउंट पेड टू बैंक. इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टेल मी हाउ मच टोटल अमाउंट वी आर पेइंग टू बैंक. कितना टोटल अमाउंट पेड टू बैंक, कैसे निकलेगा? आप बैंक को एक इंस्टॉलमेंट कितने का दे रहे हो? 3,97,763. ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट दे रहे हो? 8. तो इंटू 8 करके आ जाएगा, कितना आएगा? 31,82,105 आएगा. एवरीबॉडी, टोटल इंटरेस्ट पेड टू बैंक माइनस, यस माइनस 17 लाख्स, 14 लाख समथिंग आएगा आंसर. लिखो नीचे, पूछा नहीं फिर भी लिखेंगे हम लोग. पूछा नहीं, ये पार्ट पूछा नहीं, हम फिर भी लिख रहे हैं. टोटल अमाउंट पेड टू बैंक. व्हाई आई यूज द वर्ड इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी? क्योंकि वो जो इंस्टॉलमेंट्स है वो अलग अलग ईयर्स में है, वो ऐसा ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है. टोटल अमाउंट पेड टू बैंक लिखो वहां पे, 3,97,763 × 8. एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 397,763 × 8 installments इज इक्वल टू रुपीज 31,82,105. लिखा. अब इसमें से अगर मुझे इंटरेस्ट पेड टू बैंक निकालना रहेगा तो प्रिंसिपल जितना लिया माइनस कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा दिया वो तो इंटरेस्ट ही था ना, फिर माइनस इंटरेस्ट, सॉरी माइनस प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, वो 3182 के नीचे माइनस करो, कितना माइनस करोगे? यस 17 लाख्स. 3182 105 में से माइनस करोगे 17 लाख्स, उतना बोरो किया था हमने. देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट पेड टू बैंक टोटल इंटरेस्ट पेड टू बैंक 14,82,105 आया क्या? 17 लाख टोटल अमाउंट में से अगर माइनस कर देंगे तो जो भी हम एक्स्ट्रा दे रहे वो तो इंटरेस्ट ही था. एवरीबॉडी, बीच में से तो वो जो फैक्टर कैलकुलेशन में हम एम प्लस करते थे वो गधा मेहनत नहीं थी साहब, बराबर है ना? रियल मेहनत थी. पहले आता है बट पहले वाली लॉजिक हर बार करोगे तो मुश्किल हो जाएगा. एंड बीच में से इंस्टॉलमेंट कभी भी शुरू हो सकता है, इसीलिए इज इक्वल टू एम प्लस. देर आए दुरुस्त आए, आओ नहीं आओ ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है क्या? अब ध्यान दो, आपके दो क्वेश्चन बचते हैं, कौन से? 8th और 4th भी है ना. 4th क्वेश्चन होमवर्क लो और 8th क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन. और 9th तो बहुत ही आसान है. कितने होमवर्क हो गए? 3. कौन से 3 है? 3, 4, 6 और 9 भी है ना, 9 भी ले लो, 4 हो गए. 8th यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग. 8th क्वेश्चन पे आओ, पढ़ो और मुझे आंसर बताओ. 8th क्वेश्चन, डोंट लूज योर पेशेंस, 8th क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताओ. सब लोग अलर्ट रहो क्लास में. Yeah.
क्या क्या आंसर आ रहे बोलिए, उधर की क्लास में वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स के लिए। 33, 438, कितने लोगों का आंसर है उधर? ओके इधर कितने लोगों का आंसर है? 33, 438। ओके और कोई आंसर? कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ रहा है? जल्दी हाथ ऊपर, एक भी नहीं, एक। वेरी गुड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उधर एक। ओके ध्यान दीजिए अभी सब लोग। राज हैज इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन कंप्यूटर सिस्टम, तो उसने कंप्यूटर में इन्वेस्ट किया कितना? 1 लाख। कब? कब? आज। कौन सा वैल्यू हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। कंप्यूटर में उसने इन्वेस्ट किया 1 लाख, आज क्या बन गया? प्रेजेंट वैल्यू। एवरीबॉडी, एंड विशेस टू गिव इट ऑन लीज। लीज मतलब रेंट पर देना चाहता है, वो कंप्यूटर को रेंट पे देना चाहता है। लाइफ ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज 5 ईयर्स विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। 5 साल तक कंप्यूटर आराम से चलेगा, उसके बाद उसका स्क्रैप वैल्यू मतलब सेल वैल्यू, बंगार वैल्यू, कुछ भी नहीं बचता है। ओके, वॉट शुड बी द एनुअल लीज रेंट इफ लेसर्स अपॉर्चुनिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम। पहले तो लीज को समझ लो। लीज में दो पार्टीज होती है, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसर इज द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ एसेट, जिसकी एसेट है, और लेसी इज द पर्सन हु इज द यूजर ऑफ एसेट। जो एसेट लेना चाहता है लीज पे वो लेसी है, और जो एसेट देना चाहता है लीज पे वो लेसर है। कभी भी अगर मेरा एसेट रहेगा तो ऑब्वियसली मेरा रेट देखा जाएगा, कितने रेट ऑफ रिटर्न मुझे चाहिए। 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है सपोज कंप्यूटर में, तो 1 लाख रुपए मेरे लगे, उस पर मुझे कितना रिटर्न चाहिए लेसर को? 20%। तो लेसर्स अपॉर्चुनिटी रेट मतलब मेरा पैसा कहीं और लगा रहता तो मैं उस पर 20% कमा पाता, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर पे भी मैं कितना कमाना चाहूंगा? 20%। लीज रेंटल निकालने बोल रहे वो आपको, टेल मी वो आपको प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट बोल रहे या फ्यूचर वैल्यू सिंगल अमाउंट बोल रहे या हर साल का सेम अमाउंट बोल रहे? हर साल का सेम अमाउंट निकालना बोल रहे, इसका मतलब एन्युटी निकालने बोल रहे वो। क्या आपके पास आज की प्रेजेंट वैल्यू दी है? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो फाइनाइट एन्युटी है इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? 5 साल का ही लीज है ना, तो फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू PVAFR, N। इनमें से आप क्या निकाल सकते हो या क्या दिया है? पीवी दिया है, पीवीएफ निकाल सकते हैं, और ढूंढना क्या है? एन्युटी लीज रेंटल ढूंढना है। आई होप सबको समझ रहा है, एवरीवन देयर आल्सो। अब मुझे बोलो, आज कंप्यूटर सिस्टम में राज ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 लाख इज इक्वल टू एन्युटी वी डोंट नो इनटू पीवीएफ। के लिए दो चीजें लगती है, आर कितना लेंगे? आर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, जितना राज को रिटर्न चाहिए, लेसर को जितना रिटर्न चाहिए वो 20% है ना। अगर मैं लेसर हूं, मेरा 1 लाख लगा है, तो उस पर मुझे 20% का रिटर्न चाहिए, तो ऑब्वियसली आर कितना रहेगा? 20%। एंड एन कितना लेंगे? 1-5 ईयर्स। कितना लेंगे? 1-5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल तक लीज चलेगी, 5 साल तक इंस्टॉलमेंट आएंगे लीज रेंटल के। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड इससे कैलसिलो 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट क्या करेंगे? 2, बराबर है कि नहीं? क्योंकि 20% है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू एम प्लस कितनी बार? 5 बार करो, इज इक्वल टू एम प्लस 5 बार करो, लास्ट में एम आर सी दबा दो, 2.90 9906 आया क्या सबका आंसर?
2.9906, एंड ऑब्वियसली एन्यूटी निकालने के लिए 1 लाख को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2.9906 से, और आपका आंसर आता है 33,438 आता है। आया क्या आंसर, समझा क्या सबको, क्वेरी इज क्लियर है सबकी? लिखो, मैं वर्डिंग बोलता हूं आपको। पीवी इज इक्वल टू ए इंटू पी वी एफ आर कॉमा एन, फॉर्मूला लिखो पहले, फिर नीचे लिखोगे आप, वेयर पीवी इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख, वेयर पीवी इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख, आर इज इक्वल टू 20%, एन इज इक्वल टू 1-5 years। नीचे लिखोगे देयरफॉर 1 लाख इज इक्वल टू ए इनटू, फैक्टर कितने का आता है सबके कैलसी पे आया क्या, 2.9906, ए इनटू 2.9906, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.9906 विच कम्स टू 33,438। आया क्या, दस कंक्लूजन लिखो, दस द एन्युअल लीज रेंट, द एन्युअल लीज रेंट शुड बी रुपीज 33,438 फॉर नेक्स्ट, should be rupees 33,438 for next 5 years to give Raj a return of -% 20% on his investment, to give Raj a return of 20% on his investment। आपके पास होमवर्क 4 है ना, बोलो कौन से क्वेश्चन है, फिर से एक बार, 3, 4, 6 and 9, ये होमवर्क सॉल्व करके आना, एंड ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 जब सॉल्व करोगे तो एंड में सॉल्व करो, क्योंकि आपका आंसर गलत जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन एंड में सॉल्व करना, क्योंकि आंसर गलत जाएगा। गुड बाय फ्रेंड्स, यस, गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।